एनालिसिस, बेसिकली कंटेंट एनालिसिस, थोड़ा सा अगर हम कहें तो बहुत इन डेप्थ इसको हम बात करेंगे, इन डेप्थ स्टडी की बात करेंगे. इट्स जस्ट लाइक हम जैसे केस स्टडी में एक एक चीज की बहुत इन डेप्थ स्टडी कहते हैं, ऐसे कंटेंट एनालिसिस में वी गो विद द इन डेप्थ एनालिसिस. फाइन. सेकेंड थिंग, कंटेंट एनालिसिस के लिए हमारा जो इमेजिनेशन है, हमारा जो वर्ड्स में पकड़ है, हमारी जो लैंग्वेज में कमांड है, प्लस हमारी जो नॉलेज है, हमें फाइन नॉलेज की इसमें रिक्वायरमेंट होती है. क्योंकि जब हम किसी कंटेंट एनालिसिस पे जाते हैं तो वी शुड बी गुड इन पावर ऑफ इमेजिनेशन, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, जिससे हम चीजों को आपस में लिंक कर सकें. तो दिस इज अ बेसिक रूट ऑफ कंटेंट एनालिसिस. अब जो प्रेजेंटेशन में आपको दिखाने वाली हूँ उसमें जो हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं वो होंगे, सबसे पहले डिफाइन कंटेंट एनालिसिस, बेसिक की कंटेंट एनालिसिस क्या होता है. देन उसके बाद कंटेंट एनालिसिस भी दो टाइप के होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, और दोनों का ही तरीका करने का अलग अलग है. कुछ माइनर डिफरेंसेस होते हैं बट बाकी ओवरऑल चीजें अगर आप देखोगे तो आपको सेम ही लगता है, लेकिन जब आप प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो वो वेरी करता है. इसके बाद क्या स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है कंटेंट एनालिसिस का? तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. कंटेंट एनालिसिस इज डिस्क्राइब्ड एज साइंटिफिक स्टडी ऑफ कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे पहले साइंटिफिक स्टडी है किसका? जो भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके कंटेंट का. तो बेसिकली ये क्या है, साइंटिफिक स्टडी, जो भी कंटेंट हम दे रहे हैं उसकी साइंटिफिक स्टडी है. इट इज अ स्टडी ऑफ द कंटेंट विद रेफरेंस टू द मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट एंड इंटेंशन कंटेन्ड इन मैसेज. जो भी हमारे पास जो मैसेज है उस मैसेज में बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं उस मैसेज का मीनिंग और वो मैसेज किस कॉन्टेक्स्ट, कौन से सिचुएशन में दिया गया है और कौन से इंटेंशन इमोशंस के साथ दिया गया है, हम उसको रेफरेंस लेके उसकी स्टडी करते हैं. कंटेंट एनालिसिस इज अ टूल टू आइडेंटिफाई द अकरेंस ऑफ कॉन्सेप्ट इन एन एक्सपोजिशन. बेसिकली जो आपके एक्सपोजिशंस होते हैं, जो इन डिटेल आइडियाज का जो डिस्क्रिप्शन होता है उनको वो स्टडी करता है. तो कंटेंट एनालिसिस एज अ टूल है किसी भी आइडिया को स्टडी करने का. एक्सपोजिशन कुछ भी हो सकते हैं. एक्सपोजिशन इज लाइक आर्टिकल, बुक, लेक्चर, इंटरव्यू, कन्वर्सेशन, वेब पेज और एनी अदर रीडिंग मटेरियल. टू कंडक्ट द कंटेंट एनालिसिस ऑफ एनी टेक्स्ट, द टेक्स्ट मे बी कोडेड और ब्रोकन डाउन इनटू मैनेजरेबल मीनिंगफुल कैटेगरीज ऑन अ वैरायटी ऑफ लेवल. अगर हमें कंटेंट एनालिसिस करना है तो हम उस कंटेंट को पहले कैटेगोरियल वाइज उसको डिवाइड करेंगे. अब वो कैटेगरी क्या क्या हो सकती है, वो कैटेगरी वर्ड्स हो सकता है, वर्ड सेंस हो सकता है, फ्रेज, सेंटेंस और थीम, इनमें से कुछ भी हो सकता है. एंड देन एग्जामिन यूजिंग एनी वन ऑफ द टू बेसिक मेथड ऑफ कंटेंट एनालिसिस, इधर कंसेप्चुअल एनालिसिस और रिलेशन एनालिसिस. इसकी हम बाद में बात करेंगे. तो इसमें बेसिकली ये है, जो भी आपके पास कंटेंट है उस कंटेंट को हमने क्या करा, कोडिंग में वर्ड्स के फॉर्म में उसको कोड कर दिया या फ्रेज के फॉर्म में कोड कर दिया और उसको कैटेगराइज कर दिया अलग अलग पार्ट में. कंटेंट एनालिसिस इज ऑल अबाउट मेकिंग वैलिड, रेप्लीकेबल एंड ऑब्जेक्टिव इन्फ्रेंसेस अबाउट द मैसेज ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लिसिट रूल. एक्सप्लिसिट रूल्स बेसिकली क्या होते हैं, जो रूल्स रिटन फॉर्म में आपके पास होते हैं उनको बोलते हैं एक्सप्लिसिट रूल. कंटेंट एनालिसिस को भी करने के तरीके होते हैं, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसे हमें फॉलो करना पड़ेगा. अब जैसे यहाँ पे मैं बेसिकली आपको एक एग्जाम्पल ये दे सकती हूँ. जब भी हम केस स्टडी मैक्सिमम आर फ्रॉम द टीचिंग बैकग्राउंड, तो आप लोगों ने केस स्टडी किया होगा व्हेन यू वर इन योर बीएड, तो आप उस टाइम एक स्टूडेंट की केस स्टडी करते हो. बट व्हेन यू आर डूइंग अ एमएड, तो फिर उस टाइम आप किसी स्कूल की या कोई इंस्टीट्यूशन की केस स्टडी करते हो. तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे हमारे पास हम जब हम इंटरव्यू वगैरह लेते हैं प्रिंसिपल से या स्टूडेंट से, हम क्या करते हैं कि उस बच्चे का जो इंटरव्यू है एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं. उस पैराग्राफ फॉर्म को हम फिर बाद में कैटेगराइज करते हैं. या तो आप पहले ही एक फॉर्मेट बना दो कि नेम, क्लास, जेंडर, एज, ऑक्यूपेशन क्या है, बच्चे का तो स्टूडेंट ही होगा, पेरेंट्स का क्या है, पेरेंट्स की क्वालिफिकेशन क्या है,
अगर ये सब चीजें नहीं है तो आप अगर सपोज ऑन द स्पॉट आपको किसी कोई बच्चे का इंटरव्यू लेना है तो आप क्या करोगे, ऑन द स्पॉट आप पैराग्राफ फॉर्म में उसको लिख दोगे, बट बाद में आप क्या करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड आप उसकी कैटेगरी कर दोगे, मींस नेम की अलग कैटेगरी हो गया, फिर ऑक्यूपेशन हो गया, उसकी क्लास हो गई, उसकी हॉबीज हो गई, उसके लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो गए, इसकी प्रॉब्लमेटिक एरियाज हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, कैटेगरी आपने कर दिया। तो यहाँ पे हम एक तरीके से कंटेंट एनालिसिस कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल अबाउट कंटेंट एनालिसिस। मैम, कंटेंट कंटेंट एनालिसिस का मेन गोल क्या होता है एजुकेशन फील्ड में? सॉरी कंटेंट एनालिसिस का मेन गोल, लक्ष्य क्या होता है? कंटेंट एनालिसिस का मेन गोल होता है सर, जैसे आप जब क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं ना, इथनोग्राफिक या फिनोमिलॉजी स्टडीज करते हैं, बेसिकली मैक्सिमम इसका यूटिलाइजेशन जो होता है वो क्वालिटेटिव रिसर्च में होता है। जब आप फिनोमिलॉजी या इथनोग्राफिक रिसर्च करते हैं या केस स्टडी करते हैं, तो उस टाइम जो है आप उन सब चीजों को कंक्लूड करके उसका एनालिसिस करते हो। अब जब एक तो क्वांटिटेटिव होता है जहाँ पे कैलकुलेशन हो गई, और जहाँ कैलकुलेशन नहीं है, जहाँ पे वर्ड्स आप जा रहे हो क्वालिटेटिव रिसर्च, वहां पे हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं। तो वहां पे जो प्योरली इथनोग्राफी है, इथनोग्राफी में आप करने जा रहे हो और फिनोमिनोलॉजी में फिनोमिना देख रहे हो, उसको आप जा रहे हो वर्ड्स में लिख रहे हो, लेकिन बाद में उसको आपको कोडिंग फॉर्म में आपको शो करना पड़ेगा, क्योंकि एक रॉ डेटा होता है जो आप फील्ड से लिख के ला रहे हो। तो फील्ड से जब हम लिख के लाते हैं ना सर, उसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें रिपीटेटिव हो जाती है। तो कंटेंट एनालिसिस के टाइम पे क्या होता है कि सबसे पहले जो भी इररिलेवेंट कंटेंट होता है, जो रिलेटेड टू कंटेंट नहीं है, उसको हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज को लिख रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी लिखी जाती हैं जो मतलब बाद में काम की हमें नहीं लगती है, तो उनको रिमूव करना, फिर बाद में मेन मुद्दे पे आना कि क्या प्रॉब्लम है, क्या उसका आपने ऑब्जर्वेशन किया, क्या एनालिसिस किया, उन सब चीजों को करता है। बेसिकली हम इसमें जैसे पुराने हिस्टोरिक मोमेंट्स वगैरह होते हैं, बुक्स होती हैं, उनके एनालिसिस करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। बट इसके लिए एक चीज मैं और बता दूं कि वी नीड अ एक्सपर्ट्स, क्योंकि हर कोई कंटेंट एनालिसिस भी नहीं कर पाता, इसके लिए यू नीड अ एक्सपर्टीज, क्योंकि किसी भी चीज को लिंक करने के लिए आपको प्रॉपर उन सब चीजों की इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत जरूरी है। शैल वी मूव ऑन? हेलो, जी मैम, सुन पा रही हूँ। एक रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चन आप एंड के लिए रखिए, क्योंकि थोड़ा ना फ्लो ब्रेक हो जाता है एट द एंड। आई विल गिव यू, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई ऑल योर डाउट्स एज मच एज आई कैन, तो ये सारे आप क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? ओके मैम। बाकी ये सारे मैं आपके सॉल्यूशन, आपके इसके आंसर में सारे दूंगी। कंटेंट बेसिकली क्या होता है कि किसी चीज में क्या है, किसी मैसेज में क्या कंटेंट है, और एनालिसिस में हम क्या करते हैं, जो उस मैसेज के अंदर मैटर होता है, जिसका हम मीनिंग देखना चाह रहे हैं, उसको हम कंटेंट एनालिसिस बोलते हैं। अब ब्रॉडली कंटेंट एनालिसिस में बी सीन एज मेथड वेयर कंटेंट ऑफ द मैसेज फॉर्म द बेसिस फॉर ड्रॉइंग इंफरेंसेस एंड कंक्लूजन अबाउट द कंटेंट। फाइन, एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम इसको मैं खुद भी फील करती हूँ और मैं बोलती भी हूँ। सपोज अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पिक्चर, आप लोगों ने साइकोलॉजी में इन ब्लॉट एक्सपेरिमेंट का सुना होगा। इन ब्लॉट एक्सपेरिमेंट होता है साइकोलॉजी में, उसमें कोई इमेज बनती है, कोई किस उस इमेज को बटरफ्लाई बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, कोई क्या बता रहा है, अपने व्यूज बता रहे हैं, तो वो किस तरीके से उस इमेज को इन्फर कर रहे हैं और उसे कंक्लूड कर रहे हैं, वो उनका परसेप्शन बताता है। सेम थिंग, अगर कोई कंटेंट आपके सामने लिखा है, आपने उस कंटेंट को पढ़ा है, उस कंटेंट को पढ़ के आप क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हो, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बट इस वेरी करने के लिए भी बीच में क्या होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं उन एक कोड डेवलप करते हैं, जिससे एक कॉमन इन्फ्रेंसेस ड्रॉ हो सके कंटेंट के बारे में। देयर इज सम बेसिक डेफिनेशन अबाउट द कंटेंट एनालिसिस। ये सारे की सारी डेफिनेशन जो है वो एक ही बात कहती है, ऑब्जेक्टिविटी की बात करेगा, सिस्टमेटिक अप्रोच की बात करेगा। तो लेट्स टेक अ फर्स्ट डेफिनेशन, कंटेंट एनालिसिस इज द रिसर्च टेक्निक फॉर द ऑब्जेक्टिव सिस्टमेटिक एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनिफेस्ट कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिकली ऑब्जेक्टिव सिस्टमेटिक एनालिसिस है कोई भी कंटेंट का जो हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, उसकी डिटेल स्टडी है, उसके बारे में क्या मैसेज के अंदर लिखा गया है,
वो सारी चीजें, ये सारी डेफिनेशन बता रही है. सेकेंड डेफिनेशन इज अबाउट इट इज एन टेक्निक फॉर मेकिंग इन्फ्रेंसेस बाय सिस्टमेटिकली एंड ऑब्जेक्टिवली आइडेंटिफाई स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैसेज. अकॉर्डिंग टू कलिंगर, कंटेंट एनालिसिस एज अ मेथड ऑफ स्टडिंग एंड एनालाइज कम्युनिकेशन इन सिस्टमेटिक ऑब्जेक्टिव एंड क्वान्टिटेटिव मैनर फॉर द पर्पज ऑफ मेजरिंग वेरिएबल्स. नेक्स्ट इज कंटेंट एनालिसिस एज अ रिसर्च टेक्निक फॉर मेकिंग रेप्लीकेबल एंड वैलिड इन्फ्रेंसेज फ्रॉम द डेटा टू देयर कॉन्टेक्स्ट. इट इज अ रिसर्च मेथडोलॉजी दैट यूटिलाइज अ सेट ऑफ प्रोसीजर टू मेक वैलिड इन्फ्रेंसेज फ्रॉम टेक्स्ट. एंड दीज इन्फ्रेंसेज आर अबाउट सेंडर ऑफ मैसेज, द मैसेज इटसेल्फ और द ऑडियंसेज ऑफ मैसेज. नेक्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट टॉक्ड अबाउट कंटेंट एनालिसिस रेफरेंस टू एनी प्रोसीजर फॉर असेसिंग द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच स्पेसिफाइड रेफरेंसेज एटीट्यूड और थीम्स परमिएट अ गिवन मैसेज एंड डॉक्यूमेंट. सो जितनी भी ये मैंने आपको डेफिनेशन दी है, आई थिंक सिक्स डेफिनेशन दी हैं, ये ऑल सिक्स डेफिनेशन इज आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्जेक्टिविटी, आर टॉकिंग अबाउट द objectivity, are talking about the message and talking about how do we communicate the content. तो इसके जो basic principles हैं, definition से basic principles क्या क्या निकले हैं, the first one is objectivity, second systematic approach and third is generalizability. basically हमने यहाँ inference की बात करी थी, conclusion की बात की थी, तो on the basis of that term we can use a generalizability. okay, so let's take a first thing is objectivity. What does objectivity stand for in content analysis? Which means that analysis is pursued on the basis of explicit rule. जो मैंने आपको पहले बताया था कि content analysis we need expertise and we need a explicit rule. By with the help of all these things we can do the content analysis. तो इसका यही मतलब हुआ कि कंटेंट एनालिसिस जब भी हम करेंगे तो एक सेट नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं विच इनेबल डिफरेंट रिसर्चर टू ऑब्टेन सेम रिजल्ट फ्रॉम द सेम डॉक्यूमेंट और मैसेज. ओके, ऑब्जेक्टिविटी का एक मीनिंग ये भी होता है, ऑब्जेक्टिविटी का मीनिंग दूसरा ये भी होता है कि उसमें बायसनेस नहीं होनी चाहिए. फाइन, कि जो चीजें हैं सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी जब हम कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं तो उसमें बायसनेस आ जाता है, बट जब हम ऑब्जेक्टिविटी की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिविटी से कि बायसनेस नहीं होना चाहिए. तो यहीं पे ये चीज बोली गई है कि कुछ एक्सप्लिसिट रूल्स एंड रेगुलेशन ड्रॉ किए गए हैं सो दैट अगर सेम कंटेंट को मैं अगर नंबर ऑफ रिसर्चर से मैं कराऊं, जो जैसे जो इंटर रेटर रिलायबिलिटी में हम करते हैं, अलग अलग रिसर्चर से कंटेंट को पढ़वाते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट सेम आ रहा है, वही चीज इसमें है कि हम अलग अलग जो है रिसर्चर से हम कंटेंट को कराएंगे, बट तब भी अलग अलग लोग भी जो है उनका जो रिजल्ट है वो नियर अबाउट सेम होगा. ठीक है, एग्जैक्ट सेम किसी का नहीं होता, एग्जैक्ट तो हमारा भी नहीं होता कि हम सपोज हमने कोई टेस्ट दिया, सपोज हमको मार्क्स 95 आए तो दिस इज नॉट श्योर कि नेक्स्ट टाइम भी हमको 95 आएंगे, बट हाँ हम ये कह सकते हैं कि प्रॉक्सिमल टू 95 आ सकते हैं, नियर बाय टू 95. सेकेंड वन इज अ सिस्टमेटिक. सिस्टमेटिक बेसिकली वी कैन से सिस्टमेटिक अप्रोच की हम बात करते हैं, जहाँ पे हम लॉजिक की बात करते हैं. तो सिस्टमेटिक में क्या होगा, द इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ कंटेंट इज डन अकॉर्डिंग टू सम कंसिस्टेंटली अप्लाइड रूल वेयर बाय द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्लूडिंग ओनली मटीरियल विच सपोज द रिसर्चर आइडिया, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे. सिस्टमेटिक अप्रोच में बेसिकली क्या होगा, जो भी रूल होंगे, प्रॉपर रूल्स जो होंगे, उसको प्रॉपर एप्लीकेशन होगा और प्रॉपर तरीके से उसको जो है हम आगे फॉर्मुलाइज करेंगे. इसमें एक बात और की गई है कि अगर रिसर्चर का जो अपना इंटरनल कोई आइडिया है, मतलब जिसने अपने आप से कुछ इनपुट एक्स्ट्रा में डाल दिया है, इस टाइप की चीजों को हमें एलिमिनेट करना है. नेक्स्ट इज जनरलाइजेबिलिटी. जनरलाइजेबिलिटी का जो आपने प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन या आपने साइकोलॉजी में पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा तो साइकोलॉजी में ये टर्म आता है, प्रिंसिपल ऑफ जनरलाइजेशन. कंडीशनिंग थ्योरी जो होती है उसमें आता है. तो द रिजल्ट ऑब्टेन बाय द रिसर्चर कैन बी अप्लाइड टू अदर सिमिलर सिचुएशन, मतलब
एक प्रिंसिपल, एक जो रिजल्ट है, उस रिजल्ट को हम सिमिलर सिचुएशन में, देयर इज अ पॉसिबिलिटी हम उस सिमिलर सिचुएशन में उन सब चीजों को भी लगा सकते हैं। अब कंटेंट एनालिसिस को हम अब देखेंगे फ्रॉम द आई ऑफ कंटेंट एनालिस्ट। मतलब सपोज इफ आई एम अ कंटेंट एनालिस्ट और मैं ये कर रही हूँ कंटेंट एनालिसिस, तो ये मैं किस तरीके से करूंगी। तो इफ कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, जो कंटेंट है कम्युनिकेशन का, वो क्या बना रहा है, बेसिकली वो मटेरियल है कंटेंट एनालिसिस। ठीक है, जहाँ पे भी हम जो जो रिसर्चर है या जो कंटेंट एनालिस्ट है वो उस चीज पे काम करेगा। अब ये कैसे काम करता है, सबसे पहले सोर्स की, कहाँ से सोर्स है जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, उस सोर्स से हमने मैसेज लिया, फाइन। उस मैसेज को हमने कोई मीडियम है, मोड ऑफ ट्रैवलिंग जिसे हम चैनल कहते हैं, उस चैनल के माध्यम से हमने उसको स्प्रेड कर दिया टूवर्ड्स द ऑडियंस। उसके बाद जो भी रिसीवर्स हैं उन सब मैसेजेस को सुन रहा है। अब यहाँ पे एक टर्म यूज है ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन बेसिकली क्या होता है कि जब आपका ब्लैक एंड व्हाइट मैसेज या जो भी आपका मैसेज है, जब जिस भी मोड से वो ट्रेवल कर रहा है, परजुएट कर रहा है, स्प्रेड हो रहा है सराउंडिंग में, उस टर्म को हम ट्रांसमिशन कहते हैं कि स्प्रेड होना। अब यहाँ पे कंटेंट एनालिसिस का जो रोल है वो कहाँ पे आएगा, वो मैसेज के टाइम पे आएगा कि सोर्स से मैसेज तो मुझे मिल गया, अब इस मैसेज में मैं क्या लिख रही हूँ, किस तरीके से मैं चीजों को समझ रही हूँ, वो कंटेंट एनालिस्ट का पार्ट है। अब मेरे को सोर्स से इंफॉर्मेशन दी, अब उस इंफॉर्मेशन को मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसको मैंने एक मैसेज के फॉर्म में कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ही पूरी स्टोरी कंटेंट एनालिसिस की चलेगी कि वो क्या मैसेज ड्रॉ कर रहा है और वो मैसेज जो है फिर आगे चैनल के थ्रू रिसीवर को जाएगा। नाउ एज कैन बी सीन, जो मैंने आपको बताया वो वर्ड्स में यही लिखा हुआ है, एज कैन बी सीन द एनालिस्ट फिगर एट द पॉइंट ऑफ मैसेज एंड ड्रॉज इंफरेंसेस अबाउट सेंडर ऑफ मैसेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैसेज इटसेल्फ और इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द ऑडियंस, दैट इज द रिसर्चर इंटरप्रेट द कंटेंट सो एज टू रिवील समथिंग अबाउट द नेचर ऑफ ऑडियंस और ऑफ इट्स इफेक्ट। फाइन, वही चीजें हैं कि जो भी एनालिस्ट ने कंटेंट मैसेज में लिखा वो ही स्प्रेड होगा। अब इसमें लॉसवेल ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट, एक क्लासिकल फॉर्मुलेशन दिया है, जो ये गेम हम लोग बचपन में खेलते हैं, इट्स अबाउट हु से व्हाट टू हूम विथ व्हाट इफेक्ट। ये बहुत ही बहुत ही बहुत हमारा हम विंटेज हमारा गेम है, जैसे होते ना एक दूसरे के कान में कुछ बोलना और फिर देखते हैं लास्ट में क्या निकल के आया, इज अ काइंड ऑफ फाइन। कि किसी ने बोला कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, अब दूसरे ने दूसरे को कैसे बोला, फिर उसने तीसरे को कैसे बोला, अब मैसेज ये कैसे पास ऑन हो रहा है, यही हमारा क्या है, कंटेंट एनालिसिस है। नाउ पर्पस ऑफ कंटेंट एनालिसिस, अगर हम पर्पस की बात करें तो पर्पस ये कहाँ कहाँ हम इसे क्यों यूज कर रहे हैं। सबसे पहले क्या पर्पस है, इसका क्या उद्देश्य है, टू डिस्क्राइब दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेंट। जो भी कंटेंट हम ले रहे हैं, बेसिकली जैसे हमने फिनोमिलोजी रिसर्च की बात करी, इथनोग्राफिक की बात करी, केस स्टडी की बात करी, हम इसमें हम थोड़ा क्वांटिटेटिव में भी जाते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव में हम जब बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं ना, जरूरी नहीं है सारी चीजें कि हम सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के बेसिस पे करें। जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब हम इंटरव्यू लेते हैं, तो वहां पे हम कंटेंट की भी बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटेंट, की कंटेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब कंटेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को ये कैसे डिस्क्राइब करेगा, ये तीन टर्म में डिवाइड डिस्क्राइब करेगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन रेज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, सेकंड ये क्वेश्चन रेज करेगा ऑन द बेसिस ऑफ हाउ, कि कैसे, देन टू हूम। अब व्हाट के बेसिस पे जब ये क्वेश्चन रेज कर रहा है, तो क्या हम रिसर्च प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, क्योंकि कंटेंट एनालिसिस बेसिकली एक रिसर्च प्रॉब्लम है, उस रिसर्च प्रॉब्लम को हम उसका आंसर ढूंढ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंटेंट एनालिसिस। अब जब मैं व्हाट की बात कर रही हूँ, मैंने क्वेश्चन बनाया कंटेंट एनालिसिस में व्हाट का, तो क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस एज अ रिसर्च प्रॉब्लम मैं यूज कर सकती हूँ। सपोज
सबसे पहले टू डिस्क्राइब ट्रेंड इन कम्युनिकेशन कंटेंट कि क्या क्या ट्रेंड जो है कम्युनिकेशन कंटेंट में है. सेकंड थिंग टू रिलेट नोन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोर्सेज टू द मैसेज दे प्रोड्यूस. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मैसेज की, सोर्स ऑफ मैसेज की. टू चेक कम्युनिकेशन कंटेंट अगेंस्ट स्टैंडर्ड. नेक्स्ट है हाउ. हाउ में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं. टू एनालाइज टेक्निक ऑफ पर्सुएशन, टू एनालाइज स्टाइल. नेक्स्ट इज टू हूम, हम किसके लिए कर रहे हैं. टू रिलेट नोन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑडियंस टू मैसेज प्रोड्यूस फॉर देम एंड टू डिस्क्राइब पैटर्न्स ऑफ कम्युनिकेशन. अब एक चीज मैं आपको बता दूं, जब भी कोई टीचर लेक्चर प्रेजेंट करता है या कोई भी अपना सीरीज कंस्ट्रक्ट करता है तो वहां पे वो हमेशा टू हूम को देखता है. मीन्स सपोज जैसे मैंने ये लेक्चर अपना प्रेजेंटेशन बनाया है तो इस प्रेजेंटेशन को बनाने का मेरा मेन मोटिव, मैं पहले ये जरूर देखूंगी कि मेरा जो ऑडियंस है वो कौन कौन से लोग हैं. ठीक है, तो मेरा जो कंटेंट होगा उसकी जो डिफिकल्टी लेवल है, उसका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है और उसमें जो कंटेंट होगा वो सारा का सारा ऑडियंस के लेवल पे होगा. मीन्स कि बीएड के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिफिकल्टी लेवल उतना इंक्रीज होता जाता है और उतना ज्यादा उसकी इन डेप्थ इंक्रीज हो जाती है. फाइन. नेक्स्ट है टू मेक इंफ्रेंसेस. सेकेंड पर्पज है टू मेक इंफ्रेंसेस अबाउट द कॉज ऑफ कंटेंट. इन्फ्रेंसेज अबाउट कॉज ऑफ कंटेंट, इसमें दो क्वेश्चन हम फ्रेम कर सकते हैं, वाई, क्यों और हु. जब हम वाई ले रहे हैं तो प्रॉबेबल क्वेश्चन रिसर्च प्रॉब्लम बन सकती हैं. टू सिक्योर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये सारे जो रिसर्च प्रॉब्लम है दे आर स्कैटर्ड, दे आर फ्रॉम डिफरेंट फील्ड, तो ये कोई पर्टिकुलर नहीं है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके मैंने बनाया है. देयर इज अ वेरिएशन क्योंकि ये रिसर्च प्रॉब्लम है तो हम किस तरीके से उसको कहाँ कहाँ हम यूटिलाइज कर सकते हैं, वो इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं जो अभी सर ने क्वेश्चन पूछा था कि कंटेंट एनालिसिस हम कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, वो इन इन जगह पे हम कर रहे हैं जो मैंने आपको रिसर्च प्रॉब्लम में मेंशन कर दी. अब पहला है वाई, टू सिक्योर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस, टू एनालाइज साइकोलॉजिकल ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल, टू इन्फर एस्पेक्ट ऑफ कल्चर एंड कल्चरल चेंज एंड टू प्रोवाइड लीगल एविडेंस. ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत ही लेमन एंड सिंपल टर्म में मैंने लिखी है तो एज सच इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट है हु, टू आंसर क्वेश्चन ऑफ डिस्प्यूटेड ऑथरशिप. लास्ट इसका जो पर्पस जो मैंने मेंशन किया है, टू मेक इन्फ्रेंस अबाउट द इफेक्ट ऑफ कंटेंट. हम कॉज में तो हम कारण पे चले गए, इफेक्ट पे हम चले गए, उसके आफ्टर इफेक्ट होता है ना कोई भी चीज का आफ्टर इफेक्ट, तो विद व्हाट इफेक्ट, उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा. बेसिकली टू मेजर रीडेबिलिटी, टू एनालाइज द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टू असेस रिस्पॉन्स टू कम्युनिकेशन. अब आप यहाँ पे देखो ये तीनों रिसर्च प्रॉब्लम में इफेक्ट की बात की गई है, किसी चीज के आफ्टर इफेक्ट की, कोई चीज हो रही है किसी चीज की अकरिंग है तो उसका आफ्टर क्या होगा, वो सारा हम एज अ रिसर्च प्रॉब्लम में इसमें कवर कर रहे हैं. यूज ऑफ कंटेंट एनालिसिस, अभी हमने पर्पस की बात करी, नाउ कम टू द यूजेस ऑफ कंटेंट एनालिसिस. इसका बेसिकली जो हम जो ब्रॉडर एरिया है, ब्रॉडर एरिया में हम कहेंगे कि कंटेंट एनालिसिस को हम यूज कर रहे हैं सोशल साइंस में एंड मास कम्युनिकेशन में. अब इसको नैरो डाउन हम करते हैं और थोड़ा स्पेसिफिक वे में आ जाते हैं. इसको हमने अभी जनरल में हमने बात करी कि हम सोशल साइंस एंड मास कम्युनिकेशन में कर रहे हैं, तो अब नैरो डाउन करते हैं, तो नैरो डाउन करते करते हम इसको और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज एज इट हैज बीन यूज ब्रॉडली टू अंडरस्टैंड अ वाइड रेंज ऑफ थीम्स सच एज सोशल चेंज, कल्चरल सिंबल, चेंजिंग ट्रेंड इन द थियोरेटिकल कंटेंट ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन, वेरिफिकेशन ऑफ ऑथरशिप, चेंजेस इन मास मीडिया कंटेंट, नेचर ऑफ न्यूज कवरेजेस ऑफ सोशल इश्यूज और सोशल प्रॉब्लम such as atrocity against women, dowry harassment, social movement, ascertaining trends in propaganda, election issues as reflected in the mass media content and so on. आपने एक बात ध्यान दी होगी कि WhatsApp ग्रुप में या फिर Facebook में
कोई भी वीडियोस, कोई भी मैसेज हमारा पोस्ट हो जाता है इजीली, हम वो सब जाने बिना कि वो कंटेंट कितना रिलायबल है, हम उस मैसेज को आगे पास ऑन कर देते हैं। बट ये अब जो एक्टिविटी है ये कम हो गई है, क्योंकि इसकी अगेंस्ट अब लॉ बन गया है, मतलब एक एक्शन हो गया है। लॉ का मुझे आइडिया नहीं, एक्शन होना स्टार्ट हो गया है। कभी कभी फेक न्यूज भी लोग शेयर कर देते हैं, सो दैट कि लोगों के बीच में एक वो न्यूज फैल जाए और एक अलग टाइप का जो एनवायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए बीच में ये काफी मैसेजेस स्प्रेड हो रहे थे कि बिना जाने कि ये न्यूज जो रिलायबल है, वैलिड है नहीं, इसको आप स्प्रेड नहीं करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंटेंट एनालिसिस। इसमें हम यही करते हैं कि वो न्यूज जेन्युइन है या नहीं है। पहली बात तो हमें ऐसे ही कोई भी न्यूज हमें स्प्रेड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी फेक हो जाती है। बट अगर कोई न्यूज जेन्युइन है ये, और आपको अगर लगता है कि उसको हमें लोगों तक अवेयरनेस के तौर पे हमें स्प्रेड करना चाहिए, तभी हमें उन एक्टिविटी पे पार्टिसिपेट करना चाहिए। नेक्स्ट इज टू स्टडी सोशल फिनोमिना सच एज प्रेजुडिस, डिस्क्रिमिनेशन, चेंजिंग कल्चर सिंबल इन द कम्युनिकेशन कंटेंट। टू अंडरस्टैंड द चेंजिंग कल्चर सिंबल, कंटेंट एनालिसिस इज टू स्टडी द चेंजिंग ट्रेंड इन थियोरेटिकल कंटेंट एंड मेथोडोलॉजिकल अप्रोचेस बाय कंटेंट एनालाइजिंग द जनरल आर्टिकल्स ऑफ द डिसिप्लिन। न्यूज़पेपर में आती है कटिंग। न्यूज़पेपर भी हर न्यूज़पेपर अलग अलग बात कर रहा होता है, तो एनालिसिस ऑफ न्यूज़पेपर कंटेंट ऑफ द इलेक्शन कवरेज, बेसिकली जब इलेक्शंस की बात होती है तो जो भी न्यूज में आता है या फिर जो भी पेपर में आ रहा है, जो भी टीवी में आ रहा है, तो आधे से ज्यादा लोग जो भी ये जो स्पीचेस आती हैं, लोग उनसे इन्फ्लुएंस होके चीजें क्या हो रही है, कंटेंट एनालिसिस मतलब चीजें चेंज हो जा रही है। एडिटोरियल ट्रीटमेंट टू मोल्ड द ओपिनियन ऑफ द वोटर। बेसिकली कंटेंट एनालिसिस हैज आल्सो बीन यूज्ड टू असर्टेन ट्रेंड्स इन कम्युनिकेशन कंटेंट्स ऑफ डेलीज, वीकली कार्टून्स एंड कवरेज ऑफ डेवलपमेंट न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज एंड क्राइम न्यूज एक्सेट्रा। कंटेंट एनालिसिस हमारा जो कार्टून्स के थ्रू जो अवेयरनेस आती है, जो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा न्यूज़पेपर में कार्टून्स के थ्रू भी आता है, एक गुस्ताखी माफ करके आता है, टीवी में आता है, चैनल में आता है, जिसमें वो कार्टून के थ्रू एक स्टोरी क्रिएट करके एक बनाते हैं, एक एक्टिविटी बनाते हैं। तो वो सब चीजें क्या है, ऑल दिस थिंग इज फॉर द अवेयरनेस। और वो अगर आप ध्यान दोगे उसके अंदर एक मैसेज छुपा होता है जो हमें समझना होता है। सिस्टमेटिक एनालिसिस ऑफ एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन टू ड्रॉ यूजफुल इन्फ्लुएंस ऑन नेशनल कल्चर एज वेल एज मीडिया प्रेफरेंसेस ऑफ एडवर्टाइजर। स्कोप ऑफ कंटेंट एनालिसिस, स्कोप क्या क्या है, द स्कोप ऑफ कंटेंट एनालिसिस रेंज फ्रॉम मार्केटिंग एंड मीडिया स्टडी टू लिटरेचर, रिटोरिक, इथनोग्राफी एंड कल्चरल स्टडी, जेंडर, एज, इश्यूज। बेसिकली ये एज मच एज मैक्सिमम एरिया कवर करता है कंटेंट एनालिसिस, क्योंकि क्वालिटेटिव स्टडी हर जगह हर एरिया में होती है। तो जहां पे भी हम बेसिकली कंटेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पे हमारा कंटेंट एनालिसिस होगा, क्योंकि बिना किसी कंटेंट के कुछ भी नहीं होता, बिना किसी कंटेंट के कोई कुछ बोल भी नहीं सकता। इवन दो आप जो हेलो भी बोल रहे हो, उस हेलो के अंदर भी एक कंटेंट है, तो वो भी कंटेंट एनालिसिस का पार्ट है। अकॉर्डिंग टू वेलसन, जो पॉसिबल यूज ऑफ कंटेंट एनालिसिस है, फर्स्ट इज रिवील इंटरनेशनल डिफरेंसेस इन कम्युनिकेशन ऑफ कंटेंट। इंटरनेशनल डिफरेंसेस, अलग अलग लैंग्वेज की बात आ गई, अलग अलग लैंग्वेज की कम्युनिकेशन कंटेंट की बात आ गई। डिटेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रोपेगेंडा, आइडेंटिफाइज द इंटेंशंस, फोकस और कम्युनिकेशन ट्रेंड ऑफ एन इंडिविजुअल, ग्रुप और इंस्टीट्यूशन। हर किसी के मैसेज को डिलीवर करने का तरीका अलग होता है। सपोज मेरा स्टाइल अलग है, आपका स्टाइल अलग है बात करने का, तो बेसिकली वहां पे क्या है कि हर किसी इंडिविजुअल का, ग्रुप का, इंस्टीट्यूशन का कम्युनिकेशन का तरीका अलग है। उन सब चीजों को फोकस करते हुए हम वहाँ पे एनालाइज करेंगे, चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। डिस्क्राइब एटीट्यूडनल एंड बिहेवियर रिस्पॉन्स ऑफ टू कम्युनिकेशन। यहाँ पे इमोशंस की भी बात की गई है, क्योंकि जब भी हम किसी चीज को डिलीवर करते हैं, कोई भी चीज है, तो वहां पे आपका जो एटीट्यूड और आपका जो बिहेवियरल प्रोजेक्शन है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है किसी भी चीज को कन्विंस करने के लिए। ओके, एंड डिटरमाइन साइकोलॉजिकल और इमोशनल स्टेट ऑफ पर्सन और ग्रुप।
व्हाट कंटेंट एनालिसिस कैन डू? पहला, इट गोज बियॉन्ड द इम्प्रेशनिस्टिक ऑब्जर्वेशन अबाउट द फिनोमिना एंड कैन हेल्प यू मेक अ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन अबाउट द फिनोमिना. एक्सप्रेस इट इन नंबर्स, इन परसेंटेजेस, विच विल बी मोर स्पेसिफिक एंड ऑब्जेक्टिव. फाइन. एक बात आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जब भी अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, तो कोई भी क्वालिटेटिव रिसर्च प्योर एज क्वालिटेटिव, मतलब हम उसको थोड़ा बहुत नहीं, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, वो प्योर क्वालिटेटिव हम उसको नहीं कह सकते. क्यों? क्वालिटेटिव रिसर्च में भी हम कई बार नंबर्स को यूज करते हैं. तो जो ये नंबर्स है ना, ये हर जगह यूज हो रहे हैं, क्वालिटेटिव में भी यूज हो रहे हैं. मतलब मैक्सिमम पोर्शन तो क्वालिटेटिव है, बट कुछ जगह ऐसा होता है कि हमें डिजिट में, फिगर में, नंबर्स में उसको रिप्रेजेंट करना है. सपोज अगर मैं आपको बोलूं कि ये लेक्चर कितने बच्चे सुन रहे हैं, कितने ध्यान से आप सुन रहे हो, तो आप बोलोगे बहुत ध्यान से हम सुन रहे हैं, या कोई भी आप वर्ड मुझे बोल दोगे. बट अगर मैं उसकी रेटिंग पे बोलूं, अब मुझे कैसे मालूम कि बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इसको मैं कैसे एनालाइज कर सकती हूँ कि बहुत किसका मतलब, बहुत वर्ड सबके लिए अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग रेंज में जाते हैं. तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि रेटिंग करनी है, कि सपोज 5 में से आपको रेट करना है, तो आप उसको रेट करोगे, तब मैं एनालाइज कर सकूंगी. अच्छा, किसी ने 5 बोला है, किसी ने 4 बोला है, किसी ने 3 बोला है, तो मैं वहां से उस नंबर से फाइंड आउट करूंगी कि इतनी परसेंटेज, इतना नंबर जा रहा है किसी भी चीज का. इसलिए थोड़ा बहुत जो होता है क्वालिटेटिव रिसर्च में भी, थोड़ा बहुत हम नंबर्स को यूज करते हैं. इट इज एन अनऑब्स्ट्रक्टिव रिसर्च टेक्निक्स यूजफुल टू स्टडी सेंसिटिव रिसर्च टॉपिक. बेसिकली जो सेंसिटिव रिसर्च टॉपिक होता है, उसमें हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा, मतलब हम इन डेप्थ जा रहे हैं, एंड क्वाइटली वी डू आवर वर्क. इट इज अ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव एंड देयरफॉर कैन प्रोसेस सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ डेटा. ये कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है, इसमें हम सिंबॉलिक मीनिंग, बेसिकली हम जो कोडिंग है, कोड को हमने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बोला है, हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आगे फॉरवर्ड करेंगे. It is a safe method in a sense that if a researcher found that portion of necessary information was missing or incorrect coded, it is possible to return to the text and supplement the missing data. And this is not always possible in experimental or survey research. Means यहाँ पे एक स्कोप होता है कि आप अपनी गलती को रिकरेक्ट कर लो, क्योंकि ये कंटेंट एनालिसिस है. जो भी अगर आपने कोई इनकरेक्ट कोडिंग कर ली, या बाय मिस्टेक कुछ हो गया, गलती हो गई, तो आप, देयर इज अ स्कोप टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस. बट इन क्वांटिटेटिव रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सर्वे रिसर्च में ऐसा नहीं होता. अगर कोई गलती हो गई है, तो फिर आपको पूरा का पूरा सेटअप करना पड़ेगा, पूरी की पूरी परमिशन, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है. तो जो थोड़ा सा टफ हो जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में, इट कैन डील विद लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा. It is a shoestring methodology and which is typically labor intensive and require minimum capital investment. Shoestring methodology है, सस्ती methodology है, क्योंकि इसमें सारा का सारा काम जो content analyst है वो कर रहा है, उसकी observation जा रही है, उसकी in-depth study जा रही है, labor work जा रहा है जो कर रहा है, लेकिन as such इसका जो expenditure है वो उतना महंगा नहीं है. ये क्या नहीं कर सकता? सबसे पहले, its inferences are limited to content of text only. Fine. Similarly, symbols are processed and coded according to the attribution given by the researcher or coder. There is no guarantee that the sender or receiver share the same attributed meaning. यहाँ पे सबसे पहले इसका जो वो है, मतलब inferences है, वो limited to particular text है. ठीक है, मतलब हम जनरलाइजेशन की भी बात इसमें हम कर रहे हैं, लेकिन वो जनरलाइजेशन क्या होता है, सिमिलर सिचुएशन होनी चाहिए, सिमिलर कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, तभी हम जनरलाइजेशन की बात कर सकते हैं. बट ये हर टाइम पॉसिबल नहीं होता, मैक्सिमम टाइम ये वेरी करता है, और इस पे डिपेंड करता है कि सेंडर और रिसीवर कोडिंग को किस तरीके से समझ रहा है. बेसिकली ये कम्युनिकेशन का पार्ट है, जो आप अपने कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं. When it's deal with semantic differences or differences in regard to the meaning of words, the finding can be less valid and reliable. ये इसका सबसे बड़ा लकुना है कि validity and reliability यहाँ पे fix नहीं होती, और इसके कोई chances भी नहीं है. जैसे हम कहते हैं ना कि is there any way to overcome the reliability and validity threats?
इन कंटेंट एनालिसिस इसकी पॉसिबिलिटी बहुत टफ होती है, क्योंकि कंटेंट एनालिसिस में क्या होता है कि चीजें पर्सन टू पर्सन उसकी समझ पे डिपेंड करती है। ऑब्वियसली देयर इज अ रूल्स, उस रूल को मानते हुए ही हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, बट स्टिल हम नहीं कह सकते कि ये कंटेंट वैलिड है या रिलायबल है, क्योंकि उसका जो इन्फ्रेंस है वो एक लिमिटेड उस टेक्स्ट पर ही होता है, उसको हम लार्ज स्केल पे नहीं बोल सकते कि ये जनरलाइज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट है, जो भी डिफरेंसेस हैं, यहाँ पे वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी का बहुत मेजर इश्यू होता है कंटेंट एनालिसिस में। इसीलिए कहते हैं इसके लिए एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट है, जो हर चीज को इजीली विजुअलाइज कर सके, हर चीज को कंक्लूड कर सके। इट इज आर्ग्यूड दैट कंटेंट एनालिसिस विच कन्फाइन इटसेल्फ टू काउंटिंग द इंडिविजुअल यूनिट एंड देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, सच एज फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ टाइम्स द वर्ड ग्लोबलाइजेशन में फेल टू कैप्चर द मीनिंग और सिग्निफिकेंस विद विच दिस सिंबल आर यूज। मीन्स जैसे हम सिनोनिम्स की बात करते हैं, सिनोनिम्स की बात, जैसे कुछ एक वर्ड है कि हमने उस वर्ड को यूज किया, ठीक है, अब हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं। अब ग्लोबलाइजेशन वर्ड को हम यूज कर रहे हैं किस कॉन्टेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको यूज कर रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट के रेफरेंस में उस चीज का मीनिंग चेंज हो जाता है। फाइन, द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी इश्यूज इन कंटेंट एनालिसिस स्टिल रिमेन अनरिजॉल्व। ये बहुत मुश्किल है इसको रिजॉल्व करना। द मेथड कैन नॉट बी यूज टू टेस्ट कैजुअल कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, की कॉज एंड इफेक्ट जो है वो बहुत कम, मतलब इतना नहीं बता पाता कि कॉज एंड इफेक्ट है, तो हम इन सब चीजों को अवॉइड करते हैं। बेसिकली हम कंटेंट एनालिसिस में यही देखते हैं कि जो कंटेंट लिखा है उसी को देख लें। अब कंटेंट एनालिसिस के क्या टाइप है? कंटेंट एनालिसिस के जो टाइप है वो दो टाइप के हैं। सबसे पहले क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस एंड सेकेंड वन इज क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस। क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस को हम कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस भी बोलते हैं, और जो क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस है उसको हम रिलेशनल एनालिसिस भी बोलते हैं। अब क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस क्या है? कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस कैन बी थॉट ऑफ एज फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी में मेन मीडियन मोड पढ़ा होगा, उसमें मोड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टाइम्स कोई पर्टिकुलर नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है वो मोड होता है। सेम थिंग वी अप्लाई इन कंसेप्चुअल और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्सेप्ट, दिस इज द मेन थिंग, कि कोई भी जो कॉन्सेप्ट है कितनी बार वो रिपीट हो रहा है। तो कॉन्सेप्ट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टेक्स्ट एज वेल एज पिक्चर्स, वेयर टेक्स्ट इज वेरी कॉमन। टू एनालाइज द कॉन्सेप्ट वी लुक फॉर अपीयरेंस ऑफ वर्ड्स इन द टेक्स्ट। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द सेम वर्ड अपीयर ऑलवेज, देयर मे बी सिनोनिम टर्म्स यूज यूज प्रेजेंट। फाइन, जैसे हम अगर मैंने बात करी गुड गुड परफॉर्मेंस, ठीक है, गुड परफॉर्मेंस, अच्छी परफॉर्मेंस करी, उसके बाद हम कुछ और वर्ड भी उसके सिनोनिम्स हम यूज कर सकते हैं, तो हम इसमें वर्ड्स की बात करेंगे कि क्या फ्रिक्वेंसी में वो कॉन्सेप्ट आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी एनालाइज विद अ हाइपोथेसिस दैट अ सर्टेन डॉक्यूमेंट इज अबाउट फ्रीडम, देन वन शुड लुक फॉर रिलेटेड वर्ड लाइक लिबरेशन, इंडिपेंडेंस एक्सेट्रा। सबसे पहले एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि कंटेंट एनालिसिस में कोई ना कोई जो है कोई इज माई प्रेजेंटेशन इज विजिबल और नॉट? यस मैम, इज इट विजिबल ना? यस यस मैम। ओके ओके, पिन इट लाइक व्हाट? ओके, तो शेल आई स्टॉप शेयरिंग एंड देन रीस्टार्ट अगेन? ओके गिव, ओके वेट। Is it showing? अच्छा, जो बाद में आए होंगे उनको पिन नहीं हुआ होगा। ओके फाइन, ओके नाउ इट्स अ फुल स्क्रीन ना, राइट? ओके ठीक है, तो लेट्स ओके।
कंसेप्चुअल और क्वालिटेटिव, अगेन वही जो मोड था कि कितनी बार कोई चीज रिपीट हो रही है। सबसे पहले जब भी हम कोई रिसर्च की बात करते हैं तो हमारे पास एक रिसर्च प्रॉब्लम होता है। अब यहाँ पे वही बात की है, एग्जाम्पल में इफ यू आर एनालाइजिंग विद हाइपोथेसिस दैट सर्टेन डॉक्यूमेंट इज अबाउट द फ्रीडम, देन वन शुड लुक फॉर रिलेटेड वर्ड लाइक लिबरेशन, इंडिपेंडेंस एक्सेट्रा। अगर हम किसी भी, आपके पास कोई एक पैराग्राफ में कुछ भी एक मैन्युस्क्रिप्ट है, हम उसमें आपको फ्रीडम के बारे में बताना चाह रहे हैं या कुछ आपको बोल रहे हैं कि फ्रीडम के बारे में इसमें से निकालिए, तो आप क्या करोगे कि आप फ्रीडम देखोगे, लिबरेशन वर्ड है, इंडिपेंडेंस, दे ऑल आर काइंड ऑफ सिनोनिम्स, फाइन। तो हम ये कॉन्सेप्ट है कि फ्रीडम वर्ड है, जहाँ पे भी लिबरेशन है वो लिबरेशन भी क्या है, फ्रीडम वर्ड को सिंबलाइज कर रहा है, इंडिपेंडेंस भी फ्रीडम को सिंबलाइज कर रहा है। तो ये एक सिंगल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे सिर्फ मैं एक टर्म की बात कर रही हूँ, सिंगल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये सिंगल कॉन्सेप्ट कितनी बार यहाँ पे आ रहा है, उस सब चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं रिलेशन क्वालिटेटिव एनालिसिस, अब क्वालिटेटिव एनालिसिस है सेकेंड पार्ट, इसको हम रिलेशन भी बोलते हैं। अब रिलेशनल वर्ड का मतलब आप एज जो लेमन मीनिंग है उसी से समझिए कि रिलेशन इज कि क्या रिलेशन है वर्ड का सिचुएशन के साथ में, फाइन, जो ये बोल रहा है। इन कंट्रास्ट रिलेशन एनालिसिस गोज वन स्टेप फर्दर बाय एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप्स अमंग कॉन्सेप्ट इन अ टेक्स्ट। इन रिलेशनल एनालिसिस वी लुक फॉर व्हाट आर द रिलेटेड वर्ड्स अपीयरिंग नेक्स्ट टू द वर्ड इन क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल we see what are words that appear next to freedom and then determine the related concept. Quantitative में हमने बात करी थी, जो conceptual था हम सिर्फ term की बात कर रहे हैं, but qualitative में हम term के साथ जो relation आ रहा है उस statement में उसको भी देख रहे हैं कि अगर मैं freedom की बात कर रही हूँ तो freedom की बात मैंने किस context में कही। First freedom of thought बोल रही हूँ, फ्रीडम फ्रॉम ड्यूटी बोल रही हूँ, फ्रीडम फ्रॉम बाउंडेशन बोल रही हूँ, गॉट माई पॉइंट। तो यहाँ पे क्या है कि जो वर्ड है उस वर्ड का उस स्टेटमेंट में नेक्स्ट टू द वर्ड के साथ में क्या रिलेशनशिप है, ये रिलेशनल एनालिसिस में हम इस सब चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स टेक इन डिटेल वन बाय वन। द फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव और कंसेप्चुअल एनालिसिस। एज आई ऑलरेडी टोल्ड, in quantitative or conceptual analysis a concept is chosen for examination and analysis involve quantifying and telling its presence. hum jo tally karte hain na jaise jo jab students hote hain usme wo tally ka hota hai kitni baar number hai kitni baar representation ho raha hai to basically kitni baar koi term baar baar aa raha hai uski hum tally karte hain. the focus here is on looking at the occurrence of selected term within a text. जो भी आप टर्म को देख रहे हो वो टेक्स्ट में कितनी बार रिपीट हो रहा है, either in terms of synonyms or in terms of cluster of different words, जिसे हम implicit कहते हैं. Methods of quantitative or conceptual analysis. Quantitative or conceptual analysis begin with identifying research questions and choosing a sample or samples. बेसिकली पूरी की पूरी रिसर्च जो है, जो चोरी है, जो जितना भी हम काम कर रहे हैं वो एक रिसर्च प्रॉब्लम पे ही है कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है तभी उस पर काम हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या प्रॉब्लम है, फिर आप देखेंगे सैंपल। इन द सैंपल टेक्स्ट इज सॉर्ट एंड पुट इन द डिफरेंट कैटेगरीज और द कॉन्टेक्स्ट इज कंटेंट इज कोडिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरी, और इस टर्म को हम बोलते हैं सिलेक्टिव रिडक्शन। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लेमन। सपोज हम छोटे बच्चों को क्या है कलरफुल बॉल्स दे देते हैं, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, बेसिकली हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं कि अगर सपोज रेक्टेंगल्स हैं तो रेक्टेंगल्स को एक साइड कर दिया, ट्राइंगल्स हैं ट्राइंगल्स को एक साइड कर दिया, तो हमने कैटेगरी के हिसाब से हमने क्लासीफाई कर दिया ऑब्जेक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ शेप। यहाँ पे हम शेप की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे कंटेंट की बात करेंगे कि कंटेंट के बेसिस पे हमने जो हम और कोड के बेसिस पे हमने उनको कैटेगराइज कर दिया, और इस टर्म को हम बोलेंगे सिलेक्टिव रिडक्शन। इससे ये होगा कि जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है
वो जो आप चाह रहे हो, जो बार बार रिपीट हो रहा है, वो रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द कंटेंट बाय रिड्यूसिंग द टेक्स्ट टू कैटेगरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, सेट ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस द रिसर्चर कैन फोकस ऑन एंड कोड फॉर स्पेसिफिक वर्ड और पैटर्न दैट आर इंडिकेट फॉर रिसर्च प्रॉब्लम। बेसिकली हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सारा का सारा क्लासिफिकेशन करके जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको एक तरफ रख दिया, जो रिपीटेटिव नेचर है या फिर जिनका बेसिक जो हम कहते हैं को अक्रेंस टर्म, हम बेसिकली जो कहते हैं कि दो तीन चीजें हमने बात कर दी कि सपोज जैसे हम कहते हैं ना जैसे ओबेसिटी इन जनरल, ओबेसिटी है सपोज किसी को हमने बोल दिया, हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकती है, ईटिंग हैबिट्स भी हो सकती है एंड देयर आर मेनी मोर रीजंस। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन मेनी मोर रीजन को हम बेसिकली बता रहे हैं ओबेसिटी के बारे में। तो हम इतने सारे रीजन ना बता के वो सारी चीजें कंक्लूड हो रही है ओबेसिटी में, तो दिस इज कॉल्ड को अक्रेंस। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया कि हम जो वर्ड्स सिनोनिम्स जा रहे हैं या फिर जो वर्ड्स यूज नहीं हो रहे हैं उनको अलग करके हमने उसको रिप्रेजेंटेटिव वे में उसको प्रेजेंट कर दिया। एग्जाम्पल है इसमें सपोज टेकिंग एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट एग्जामिन द रिलेटेड वेब पेज, द आंसर टू इंफॉर्मेशन नीडेड माइट इन्वॉल्व एग्जामिन द नंबर ऑफ की वर्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी। द रिसर्चर वुड बी इंटरेस्टेड ओनली इन क्वान्टिफाइंग दीज वर्ड, नॉट इन एग्जामिन हाउ दे आर रिलेटेड विद अदर कॉन्सेप्ट। अगेन वही जो मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने आपको फ्रीडम का एग्जाम्पल दिया था, अब एग्रीकल्चर इकोनॉमी आपके पास कोई कंटेंट है, उस कंटेंट में आपको मैं आपको बोल रही कि आपको सिर्फ और सिर्फ कंटेंट, आपको क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस करनी है, तो और पर्टिकुलर मैं आपको एक रिसर्च वर्ड दे दूंगी। तो सपोज यहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मैंने आपको वर्ड दे दिया, अब आप क्या करोगे, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक वर्ड से रिलेटेड टर्म निकालोगे जो उस टर्म के सिनोनिम्स होंगे या नियर बाय क्लस्टर में उसके आते होंगे, लेकिन आप उसका रिलेशन नहीं निकालोगे। रिलेशन कैसे, फॉर एग्जाम्पल पेस्ट कंट्रोल, इन्फ्लेशन रेट ऑफ कंट्री एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक। तो ये क्या हो गया, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक के रिलेशन में ही आ गए। इस चीजों को हम अवॉइड करेंगे कंटेंट एनालिसिस, क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस में। ओके अब कंटेंट एनालिसिस को करने के जो स्टेप्स हैं, एट कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज डिसाइड द लेवल ऑफ एनालिसिस, डिसाइड हाउ मेनी कॉन्सेप्ट टू कोड फॉर, डिसाइड वेदर टू कोड फॉर एग्जिस्टेंस और फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉन्सेप्ट, डिसाइड ऑन हाउ यू विल डिस्टिंग्विश अमंग कॉन्सेप्ट, डेवलप रूल्स फॉर कोडिंग योर टेक्स्ट, डिसाइड वट टू डू विद इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, कोड द टेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज एनालाइज योर रिजल्ट। लेट्स टेक वन बाय वन। सो फर्स्ट इज डिसाइड द लेवल ऑफ एनालिसिस। सबसे पहले हम लेवल देखेंगे, कोई भी चीज को प्रिपेयर करने से पहले उसका लेवल देखा जाता है। सो वन शुड डिसाइड अपॉन द लेवल ऑफ एनालिसिस, मींस द वर्ड और वर्ड सेट व्हिच इज चूजन फॉर द कोडिंग, कौन से वर्ड और कौन से हमें ग्रुपिंग जो है, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स हमें चूज करना है कोडिंग के लिए, उन सब का हम लेवल देख लेंगे। एग्जाम्पल द रिसर्चर मस्ट डिसाइड वेदर टू कोड फॉर सिंगल वर्ड फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिंग और सेट ऑफ वर्ड्स ऑफ फ्रेजेस फॉर्मिंग ऑफ राइज, इस तरीके से मीन्स हमें जो कोडिंग करनी है वो सिंगल के लिए करनी है या फिर वर्ड सेट ऑफ वर्ड्स की करनी है या फ्रेजेस की करनी है, ये सब चीजें हम प्री डिसाइडेड कर लेंगे इन सब चीजों को करने से पहले। नेक्स्ट इज डिसाइड हाउ मेनी कॉन्सेप्ट टू कोड फॉर, कितने कॉन्सेप्ट के हमें कोड बनाने हैं, सिंगल बनाना है या हमें कोई दो तीन टर्म्स हमें दे दी है उनके बनाना है, या फिर तीन टर्म्स के हम मतलब तीन कोई पर्टिकुलर टर्म्स दे दिया पैराग्राफ में और बोला कि इसको आप ढूंढो। ठीक है, इस तरीके से। तो वंस द कॉन्सेप्ट इज डिसाइडेड, ही एंड शी शुड डिसाइड हाउ मेनी अदर्स कॉन्सेप्ट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। सपोज अभी यहाँ पे इन्होंने प्रीवियस एग्जाम्पल में आपका लिया था फॉर्मिंग, ठीक है, अब फॉर्मिंग दूसरा ले लिया फॉर्मिंग ऑफ राइस, तीसरा सपोज ले लिया फॉर्मिंग ऑफ बीट, नेक्स्ट कुछ और ले लिया, फाइन। तो इस तरीके से हम पहले डिसाइड करेंगे कि कितने सारे कॉन्सेप्ट के हमें कोड बनाने हैं, जो ये फॉर्मिंग फॉर्मिंग ऑफ राइस है, दीज आर कॉन्सेप्ट, फाइन। तो इन सब के हमें कोड बनाने हैं, दैट मीन्स ही एंड शी शुड प्री डिफाइन द कैटेगरीज, ही एंड शी मस्ट ऑल्सो सेट द लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड वाइल पिकिंग द वर्ड्स फॉर दीज कैटेगरी। ये भी देखना पड़ेगा कि कितनी लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी परमिट है। The researcher should also decide on the way of categorization, whether he and she should be allowed to pick any category
इफ एंड शी फील रेलेवेंट, मतलब अगर रिसर्चर को लगता है कि कोई कैटेगरी मतलब रेलेवेंट है, तो कितने लेवल तक वो ऐसी चीजों को परमिट कर सकता है, इनटेक कर सकता है, वो कितना लेवल है, वो चीज भी हमें देखनी पड़ेगी. इट ऑल्सो मस्ट बी डिसाइड इफ ईच एंड एवरी वर्ड विच अपियर शुड बी कोडेड और नॉट, विच वुड शुड बी टेकन इन टू कंसिडरेशन. नेक्स्ट है डिसाइड वेदर टू कोड फॉर एग्जिस्टेंस और फ्रिक्वेंसी ऑफ कॉन्सेप्ट. अब जो हमने कोड किया वो कोड हम एग्जिस्टेंस के लिए कर रहे हैं या फ्रिक्वेंसी के लिए कर रहे हैं. अनदर मेजर डिसीजन द रिसर्चर नीड टू टेक इट वेदर ही एंड शी शुड काउंट द वर्ड फ्रिक्वेंसी और क्लस्टर ऑफ वर्ड्स विच डिनोट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड्स इन क्वेश्चन. इफ ही काउंट द फ्रिक्वेंसी ही एंड शी मे लीड टू लिमिटेड परस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सेप्ट. इफ ही एंड शी टेक केयर ऑफ कॉन्सेप्ट एज वेल एज रिलेटेड टर्म देन He and she may get varied perspective of concept. मतलब जैसे हमने अब देखना है कि हम कॉन्सेप्ट की बात, हम एग्जिस्टेंस की बात करें या फ्रिक्वेंसी की बात करें. फ्रिक्वेंसी की बात करें तो हमारे पास लिमिटेड परस्पेक्टिव है कि हम बस ये देखेंगे कि फॉर्मिंग वर्ड का दूसरा वर्ड क्या हो सकता है, हार्वेस्टिंग हो सकता है, और क्या वर्ड हम यूज कर सकते हैं, हम सिर्फ वो देखेंगे. बट अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो रिलेशन जब परस्पेक्टिव रिलेशन की बात करूंगी तो वहां पे वेरिड टर्म होगा. फॉर्मिंग का कोई भी चीज होता है, फॉर्मिंग आपकी राइस की भी हो सकती है, फॉर्मिंग आपकी पोल्ट्री फॉर्मिंग भी हो सकती है, फिशरीज फॉर्मिंग भी हो सकती है, ठीक है. तो वहां पे उसका रिलेशन अलग अलग हो गया, तो वहां पे वेरिड पर्सपेक्शन आपका यहाँ पे डेवलप हो जाता है. एग्जाम्पल द फॉर्मिंग गिव अ वेरी ब्रॉड पर्सपेक्टिव, बट इफ यू कंसिडर द वर्ड कल्टिवेशन ऑफ राइस वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इज अबाउट टू राइस प्रोडक्शन. बेसिकली यहाँ पे वही बात की गई है, फॉर्मिंग जो है ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव है, बट जब मैं उसको नैरो डाउन कर रही हूँ कल्टीवेशन ऑफ राइस, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राइस की बात होगी. फॉर्मिंग ऑफ राइस सिर्फ और सिर्फ राइस की बात होगी कि हम सिर्फ राइस की फॉर्मिंग कर रहे हैं. बाकी फॉर्मिंग इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, इसको हम किसी भी डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं. डिसाइड ऑन हाउ विल यू डिस्टिंग्विश अमंग कॉन्सेप्ट. मीन्स आपने कॉन्सेप्ट ले लिए, जैसे आपने ले लिया सपोज आपने फॉर्मिंग ले लिया, फॉर्मिंग ऑफ राइस हो गया, फॉर्मिंग ऑफ व्हीट हो गया. अब उनके बीच में कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश अमंग कॉन्सेप्ट, कैसे कैसे वो वेरी कर रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है. नाउ द रिसर्चर शुड डिसाइड वेदर द कॉन्सेप्ट आर टू बी कोडेड एग्जैक्टली एज दे अपियर, जैसे वो है उसको वैसे ही अपियर कर रहा है, और इफ दे कैन बी रिकॉर्डेड एज द सेम इवन वेन दे अपियर इन अ डिफरेंट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल फॉर्मिंग Then appear as harvesting. इसमें बेसिकली यही है कि जो भी कंटेंट में है क्या रिसर्चर उसको एज इट इज ले रहा है, और अगर वो उसको एज इट इज नहीं ले रहा तो जो सिनोनिम्स है वो भी उसका मीनिंग जो है वो ही शो करना चाहिए जो हमारा मेन टर्म है. द रिसर्चर नीड टू डिसाइड वेदर बोथ वर्ड मीनिंग आर सेम और दे आर डिफरेंट, सो दैट बोथ कुड बी केप्ट इन डिफरेंट कैटेगरी. अगर वो सेम है तो उसे सेम कैटेगरी में रखो, अगर वो सेम नहीं है तो उसे अलग कैटेगरी में करो. जैसे आप देखते हो ना, आपने थ्रेशर्स देखे होंगे, जब हम कोई भी वर्ड्स का सिनोनिम्स देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो थ्रेशर का एक पेज ओपन होता है, तो बेसिकली वहां पे क्या होता है, जो सेम टाइप के वर्ड्स है उसकी ग्रुपिंग होती है, फाइन. और जो थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब नेचर सेम है लेकिन थोड़ा वेरी कर रहे हैं, उन सबकी प्रॉपर एक कैटेगरी एक टेबल बन जाती है. इसको आप जरूर चेक करना, तो आप जब चेक करेंगे आपको पता लग जाएगा थ्रेशर प्रॉपर एक एक पेज लेआउट दिखा देता है जिसमें सारे के सारे सिनोनिम्स वर्ड की कैटेगराइजेशन होती है. बेसिकली हम यहाँ पे वही बात कर रहे हैं. जुलप रूल्स फॉर कोडिंग योर टेक्स्ट. जो भी आप काम कर रहे हो उसके लिए रूल्स बना रहे हो कि किस तरीके से कोडिंग होगी. सपोज फॉर एग्जाम्पल जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं क्वान्टिटेटिव की, तो सपोज हमने बोला जैसे हम जेंडर की बात कर रहे हैं, वन स्टैंड फॉर मेल एंड टू स्टैंड फॉर फीमेल, हमने कोडिंग कर दिया. तो आप जब कोई भी जैसे आपने ये आप कंटेंट एनालिसिस कर रहे हो, तो वन लिखा होगा जेंडर में तो इट्स अंडरस्टूड मेल, टू लिखा होगा तो इट्स अंडरस्टूड फीमेल. एक चीज का आप ध्यान रखना, जितनी भी ये सारी चीजें होती है बहुत कॉन्फिडेंशियल लेवल पे होती है रिसर्चेस में. जो भी आप कंटेंट एनालिसिस कर रहे हो इसमें जो भी पार्टिसिपेंट होता है, जिसपे आप रिसर्च कर रहे होते हो, जो भी सारी चीजें हैं, ये सब चीजें बहुत कॉन्फिडेंशियल वे से हाइड की जाती है, तो इन सब चीजों के लिए कोडिंग ड्रॉ होती है, फाइन. आफ्टर टेकिंग सबसे पहले टू दिस प्रोसेस बिलोंग टू आइडिया एंड प्लान.
After taking the generalization of concept into consideration, a researcher will want to create translation rules, or in other words, use a number that will allow him or her to streamline and organize the coded term to understand that he and she is coding for exactly what she and he want. Basically, वही है कि हम कुछ कोड बना देते हैं, ठीक है? उस कोड की वजह से हमको इजी हो जाता है किसी भी चीज को पहचानने के लिए. Developing a set of rules helps the researcher to ensure that he and she is coding things consistently throughout the text in the same way every time. Means आप जो भी आपने norms बनाए हैं, जो भी आपने कोड बनाए हैं, उन कोड को throughout the content analysis आपको उसी को follow करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि आप बाद में change कर दो. Suppose आपने one for male and two for female किया है, तो कुछ 10-15 मतलब 10-15 research करने के बाद आपने इसको interchange कर दिया, one for female कर दिया and two for male कर दिया. वो चीज नहीं करनी है, क्योंकि जो भी आप कोडिंग ले रहे हो, जो भी आप नंबर आपने असाइन कर दिया थ्रू आउट योर रिसर्च, दैट शुड बी सेम. एग्जांपल, द यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड फार्मिंग आर टू डिफरेंट कैटेगरी. फाइन, देन वन कैन नॉट पुट द प्रीवियस वन अंडर द सेकंड, सो एज इट विल वॉयलेट द रूल्स. यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड फार्मिंग दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, तो इनको हम एक बकेट में नहीं रख सकते, क्योंकि फार्मिंग अपने आप में अलग टर्म है, यूज ऑफ फर्टिलाइजर अपने आप में. यूज ऑफ फर्टिलाइजर जो है ये स्पेसिफिक टर्म आ जाता है, फॉर्मिंग इज अ जनरल टर्म जिसे हम इन जनरल यूज कर सकते हैं. विद कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज रूल्स वन कैन अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट एंड द इम्पॉर्टेंट ऑफ देयर मीनिंग एंड यूज, एंड दिस प्रोवाइड कंसिस्टेंसी एंड कोहरेंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी कंस्ट्रक्ट है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी आउटपुट आ रहा है, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एंड कोहरेंस, एक लॉजिक होना चाहिए एवरीथिंग. वन ऑफ द मेजर अप्रोच द यूज ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम एज दे प्रोवाइड कंसिस्टेंसी इन कोडिफिकेशन ऑफ द टर्म. जो भी आप कोड बना रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी ऑफ द टर्म होना चाहिए. डिसाइड व्हाट टू डू विद इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन. क्या हमें करना चाहिए इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन के साथ में? सबसे पहले ही एंड शुड डिसाइड इफ फाइंडिंग हैव सम काइंड ऑफ इररिलेवेंसी, देन वेदर टू बेयर इट और रीडू द प्रोसेस. मतलब उसको एज इट इज आप उसको किसी तरीके से बेरअप कर लो, या फिर आप फिर से प्रोसेस को करो. यूजली पफ ऑफ वर्ड्स, बेसिकली जो पफ ऑफ वर्ड लाइक क्या होते हैं, जैसे होता है ना कि पेस्ट्री फिल्ड विद विम्पी क्रीम, इस टाइप के वर्ड. जैसे हम कह रहे हैं कुछ टर्म होता है, फॉर एग्जाम्पल ऑफ दी एक्सेट्रा. कभी कभी ये अनयूजली बहुत बार रिपीट हो जाते हैं, तो थोड़ा हमें इन सब चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा. क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी हम फील्ड में जाके किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, लाइक हम इथनोग्राफी रिसर्च की बात कर रहे हैं, फिनोमिनोलॉजी रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम हम ये नहीं देखते कि हमें क्या लिखना है. उस टाइम जो हमारे सामने फील्ड में हम जो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, फर्स्ट जो इनिशियल ड्राफ्ट होता है, उसमें हम एज मच एज आई कैन वाली बात होती है कि जितना हो सके मैं उसमें अपना इनपुट डाल दूं. क्यों? क्योंकि कोई पॉइंट स्किप ना हो जाए. उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके मैं बहुत बड़ा 5-6 पेज का एक राइटअप बना देती हूँ, लेकिन बाद में मैं उसकी स्क्रूटनी करती हूँ. स्क्रूटनी में क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसको हम लिखते जाएंगे, और जो भी इस तरीके से वर्ड है जो बार बार जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा, मीनिंग नहीं बन रहा, जो बार बार रिपीट हो रहा है, उनको वी शुड बी अवॉइड देम. कोड द टेक्स्ट, अगेन वही कोडिंग हम कर रहे हैं. दिस इज द की प्रोसेस फॉर नोटेशनल प्लेन वेयर वी कोडिफाई द टर्म्स इन आर्टिफिशियल लैंग्वेज, मे बी इन नंबर्स, अगेन इन नंबर्स. Once these choices about irrelevant information are made, the next step is to code the text. This is done either by hand, reading through the text and manually written down concept occurrences, or through the use of various computer programs. Computer programming bhi use hoti hai for the content analysis. When coding is done, a researcher can recognize error far more easily. अगर जब हम कोडिंग कर लेते हैं उसके बाद जो एरर है वो ऑटोमेटिकली शो हो जाता है कि कहाँ कहाँ पे हमारी एरर है. तो जहाँ जहाँ एरर है, देयर इज अ This is the research where we can change our error, we can modify our the errors, कि हम वहाँ पीछे जाके अपने errors को ठीक कर सकते हैं. Next है analyze the result, again सारी चीजें कर दी, फिर उसमें से क्या result output आ रहा है उसको हम analyze करते हैं. After coding is done, the researcher should try to conclude from the data, conclusion draw होगा. Before that, he and should decide what should be done with the remaining uncoded data. सबसे पहले ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो भी अनकोडेड डेटा है उसका आपको क्या करना है. उसको इधर यू शुड बी इन्वॉल्वड और डिलीटेड. द ऑप्शन आर वेदर टू डिलीट दैट पार्ट ऑफ टेक्स्ट और रीकोडिंग ऑल द टेक्स्ट चेंजिंग द कोडिंग स्कीम. वंस दिस पार्ट इज ओवर, ही एंड शी शुड लुक फॉर द कंक्लूजन बाय लुकिंग एज अ रिजल्ट और ट्रेंड. एग्जाम्पल, इफ वन फाइंड्स दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ राइस इज मोर, कुड
could he conclude that there is a shift in farming and more people are going for farming of rice? Means अगर कोई आपको बोलता है कि राइस की फार्मिंग जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है, उसमें कम पैसे लगते हैं और ज्यादा आउटपुट हो रहा है, तो क्या है इसमें मैक्सिमम लोग जो क्या है उनको क्या राइस की फार्मिंग करनी चाहिए? इस तरीके का ये ट्रेंड डेवलप हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कम टू दी क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च जिसे हम रिलेशनल रिसर्च भी कहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे वन स्टेप फॉरवर्ड जा रहे हैं क्वांटिटेटिव का। क्वांटिटेटिव ने बात करी कॉन्सेप्ट की, टर्म की बात कर रहा है, और क्वालिटेटिव रिसर्च जो है उन टर्म्स के बीच में रिलेशनशिप डेवलप कर रहा है, तभी हम इसको रिलेशनल एनालिसिस भी बोलेंगे। तो क्वालिटेटिव और रिलेशनल एनालिसिस बेसिकली क्या है? एक्सटेंशन टू दी क्वांटिटेटिव एनालिसिस फर्स्ट। सेकेंड, क्वालिटेटिव एनालिसिस सीक टू गो बियॉन्ड प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेप्ट बाय एक्सप्लोरिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेप्ट identified and relationship analysis has been termed as semantic analysis. इसको हम semantic analysis भी बोलते हैं, क्योंकि semantic analysis का basically meaning यही होता है कि जो statement है उस statement का proper meaning क्या है उसको हम proper बताएं। ठीक है, अब suppose कोई भी particular कोई word है, suppose Ram is a good person, एक layman example, suppose Ram is a good person, तो राम तो श्री भगवान का नाम भी राम है, और दूसरा पर्सन नाम, पर्सन का भी राम, पर्सन का भी नाम राम हो सकता है। तो यहाँ पे सिमेंटिक एनालिसिस में क्या है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में हम उसको यूज करें, या हम श्री राम के कॉन्टेक्स्ट में हम मतलब बोल रहे हैं, या फिर पर्सन एज अ ह्यूमन के उसमें हम राम को बोल रहे हैं, तो हम वो नेक्स्ट वर्ड जो है हमें क्लियर कर देता है। तो इन द अदर वर्ड द फोकस ऑफ रिलेशन एनालिसिस इज टू लुक फॉर सिमेंटिक और मीनिंगफुल रिलेशनशिप। बेसिकली जो भी हमारे पास कंटेंट है उसमें क्या मीनिंगफुल स्टेटमेंट आउटपुट में आ रही है, हम उस सब चीजों पे फोकस करते हैं। इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट आर व्यूड एज हैविंग नो इनहेरेंट मीनिंग, रादर मीनिंग इज प्रोडक्ट ऑफ रिलेशनशिप अमंग कॉन्सेप्ट इन टेक्स्ट। इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट का जो है कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं होता। सपोज अगर मैं आपको बोलूँ, कोई भी रेंडमली वर्ड दे दूँ मैं आपको, जैसे सपोज कुछ भी लाइक मोबाइल, मोबाइल आपको बोल दिया, अब मोबाइल है, बट मोबाइल का अगर मैं उसके रिलेशनशिप में बोलूं कि अगर मैं बोलूं व्हाट आर द यूजेस ऑफ मोबाइल, तब आप बताएंगे मोबाइल के क्या यूजेस है। बट अगर मैंने आपको मोबाइल बोला, मोबाइल तो आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है, मोबाइल एक जगह से दूसरी जगह जाने को भी हम मोबिलिटी कहते हैं। तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट की बात हुई, कि उसका इनहेरेंट मीनिंग मतलब हम जब तक उसको कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं देते, कोई सिचुएशन नहीं देते, हमें उसका मीनिंग नहीं पता होता। तो यहाँ पे रिलेशनशिप एनालिसिस यही बोलता है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तब आती है जब हम उसको कोई रिलेशनशिप उसमें डेवलप करते हैं। टू की थियोरटिकल अप्रोचेज इसमें इसकी बात की गई है, पहला है लिंग्विस्टिक एंड द सेकेंड वन इज कॉग्निटिव साइंस। फाइन, लिंग्विस्टिक अप्रोच है ये, लिंग्विस्टिक अप्रोच टू कंटेंट एनालिसिस फोकस ऑन एनालिसिस ऑफ टेक्स्ट on the level of linguistic unit, typically single clause unit. Linguistic content analysis is a method of encoding textual data by categorizing keywords and identify the relationship among these words. Linguistic analysis basically language की बात की गई है, तो इसमें बोला गया कि जितने भी कोर्स हैं, हम पहले कोर को आइडेंटिफाई करें, जो हमारे वर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, और उन वर्ड्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। The study of English language is an example of linguistic. जो English language is example है linguistic का, कैसे example है? क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ study of English language, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? देखो, science of language. Science word as a science किसी भी चीज की हो सकती है, ठीक है? जैसे science मतलब reasoning, उसके पीछे का क्या basic root है उस चीज के उत्पन्न होने का, उस चीज के develop होने का। Language की क्या science है? अब लैंग्वेज और साइंस की हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या है? फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक, ये सारे टर्म्स क्या साइंस ऑफ लैंग्वेज में है। तो हम इन सब चीजों को जब हम डीपली स्टडी करते हैं तब हम बोल रहे हैं कि हमने इंग्लिश की लैंग्वेज की स्टडी करी है। तो दिस इज अ लिंग्विस्टिक एनालिसिस। और दूसरा जो पर्पस है लिंग्विस्टिक एनालिसिस का, सॉरी लिंग्विस्टिक अप्रोच का, वो क्या है कि ये इंफॉर्मेटिव, एक्सप्रेसिव एंड डायरेक्टिव, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा विद एक्सप्रेशन और डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इन सब चीजों का पर्पस जो है फुलफिल करता है लिंग्विस्टिक एनालिसिस। सेकंड वन इज अ कॉग्निटिव साइंस। कॉग्निटिव साइंस इज वेरी सिंपल। कॉग्निटिव बेसिकली हम जो लर्निंग की बात करते हैं, जितने भी हमारे जो डेवलपमेंट है, ये सारी की सारी थ्री डोमेन
मीन्स की बात है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो कॉग्निटिव की बात है तो इट्स वेरी ऑब्वियस, कॉग्निटिव इज ऑल रिलेटेड टू योर माइंड। हम माइंड की बात कर रहे हैं तो कॉग्निटिव साइंस क्या हो गया, जितने भी हम सोच रहे हैं, हम जो डिसीजन ले रहे हैं उसके पीछे का रीजन, उसको हम कैसे आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें हम जो है कॉग्निटिव साइंस में डील करेंगे। अप्रोचेस दैट गाइड फ्रॉम कॉग्निटिव साइंस मींस क्रिएशन ऑफ डिसीजन मैप, आप किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, एंड देन मेंटल मॉडल, जो मेंटल मॉडल्स डेवलप होता है, उन सब चीजों की बात की गई है। राइट, नाउ डिसीजन मैप क्या होते हैं, डिसीजन मैप अटेम्प्ट टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन आइडिया, बिलीफ, एटीट्यूड एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू ऑथर व्हेन मेकिंग अ डिसीजन विद इन अ टेक्स्ट, एंड दीज रिलेशनशिप कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लॉजिकल, इन्फ्रेंशियल, कॉजल, सीक्वेंशियल एंड मैथमेटिकल रिलेशनशिप। मीन्स कितने डिसीजन मैप, जब मैं कोई चीज का कंक्लूड कर रही हूँ तो उस कंक्लूड करने से पहले मैं देखूंगी कि रिलेशनशिप क्या है, आइडिया, बिलीफ, एटीट्यूड और इंफॉर्मेशन, इन सब चीजों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस तरीके से मैं रिजल्ट आउटपुट जो है ड्रॉ करूंगी, उन सब चीज का एक मैं डिसीजन मैप बनाऊंगी। इज जस्ट अ सिंपल एज काइंड ऑफ ब्लूप्रिंट। जब भी आप कोई भी चीज बनाते हो, टेस्ट बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, एक आप एक चेकलिस्ट भी बना रहे हो या फिर आप एक ब्लूप्रिंट बना रहे हो, तो एक इज अ काइंड ऑफ अ डायरेक्शनल मैप। तो डिसीजन मैप ये है कि एक डिसीजन मैप है कि इस तरीके से मैं इसको फ्लो डाउन करूंगी, तो वो आपका आइडिया जो है वो डिसीजन मैप से आता है। नेक्स्ट है मेंटल मॉडल। मेंटल मॉडल आर ग्रुप और नेटवर्क ऑफ इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट दैट वी मेक इन आवर माइंड एट कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस लेवल। कॉग्निटिव साइंटिस्ट से दीज इंटरनल मेंटल स्ट्रक्चर आर मेड एज पीपल ड्रॉ इन्फ्रेंसेज एंड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द थिंग्स अराउंड देम। सिंपल लेवन एग्जाम्पल इसका है कि सपोज आप मोबाइल परचेज करने जा रहे हो, ठीक है, अब मोबाइल परचेज करने जा रहे हो तो आपने क्या करा कि ऑनलाइन आप कोई भी मोबाइल ले रहे हो, पहले तो उसके सारे फीचर्स देख रहे हो, फाइन, और दूसरा अगर वहां पे उसके कुछ कुछ क्या बोलते हैं उसको, उसके बारे में राइटअप लिखा होता है ना, उसके बारे में फीडबैक लिखा होता है, उन फीडबैक को हम पढ़ते हैं कि लोगों के क्या व्यूज हैं टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर थिंग, तो वो क्या हो गया, फिर हमने अपना प्रॉपर एक माइंड बना लिया कि अच्छा इसके फीचर सही सही से हैं, हमें फीडबैक भी इसमें सही सही से मिल रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं मानते हैं कि फीडबैक अगर कोई उसमें है तो वो जेन्युइन ही होंगे, ये थोड़ा बहुत हम मान के चलते हैं। और या फिर अगर मेरे कोई नियर बाय में लोग हैं, उनके पास अगर ये मोबाइल है तो हम उनसे भी सर्वे ले सकते हैं कि इसके क्या फीचर्स हैं, इसकी क्या इसकी ड्यूरेबिलिटी है, बैटरी का क्या बैकअप है, सारी चीजें। तो हम कहीं ना कहीं एक मेंटल मॉडल बना लेते हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। उसके बाद जब हम पूरा कंक्लूजन निकालते हैं कि इधर इधर आई हैव टू परचेज और गो फॉर द अदर ऑप्शन, वो सब चीजें क्या है, वो सारा का सारा आपका मेंटल मॉडल में हो रहा है, आपका सारा का सारा कॉन्शियस या सबकॉन्शियस लेवल पे वो चीजें आपके माइंड में चल रही है। रिलेशन एनालिसिस, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव है, हम क्यों कर रहे हैं, टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन। जो भी रिसर्च क्वेश्चन है, सपोज जैसे हमने मैंने आपको बोला कि कोई भी चीज जो है एक रिसर्च प्रॉब्लम से स्टार्ट हो रही है, हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पे पूरी की पूरी पीएचडी होती है, एक सिंगल प्रॉब्लम पे, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम के बीच में भी क्या रिलेशनशिप है, उन सब चीजों को आइडेंटिफाई कौन कर रहा है, रिलेशन एनालिसिस, क्योंकि मैंने टर्म्स तो दे दिए, ठीक है, बट उन टर्म्स का क्या रिलेशन है, वेरिएबल्स के साथ में मैं क्या करने जा रही हूँ, वो सारी चीजें मुझे कंटेंट एनालिसिस में क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस देता है। देन टू लुक फॉर द सैंपल एंड इट्स साइज, द लार्जर द सैंपल द लेस द क्लैरिटी ऑफ रिजल्ट, बट इफ द सैंपल इज स्मॉल द रिलायबिलिटी इशू आ जाता है। अगर सैंपल लार्ज है तो बेसिकली क्लैरिटी नहीं होती क्योंकि वेरिएशंस बहुत ज्यादा रहती हैं। अगर कंटेंट अगर जो सैंपल स्मॉल है तो वहाँ पे रिलायबिलिटी इशू आता है। बेसिकली रिलायबिलिटी वैलिडिटी इशू कंटेंट एनालिसिस में आता ही आता है। दस वी विद लार्जर सैंपल कंटेक्चुअल इन्फॉर्मेशन मस्ट बी गिवन फॉर क्लैरिटी इन रिजल्ट। कंप्यूटर्स आर वेरी हेल्पफुल इन क्वालिटेटिव एनालिसिस बिकॉज ऑफ यूज ऑफ रिगुलर स्टैटिस्टिकल टेक्निक। अब क्या है कि जो अब जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं डेटा कलेक्शन, क्वांटिटेटिव की हम बात करें या क्वालिटेटिव की बात करें, ये सारी की सारी हमारे पास टूल्स अवेलेबल है, स्टैटिस्टिकल टूल अवेलेबल है। अपना डेटा वहां पे फीड करिए, कोड फीड करिए, कोड की नंबरिंग फीड करिए, आपको वो पूरा का पूरा आउटपुट रिजल्ट आपको वो दे देता है। स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग क्वालिटेटिव और रिलेशन एनालिसिस इज द फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग द क्वेश्चन, सेकंड चूज अ सैंपल और सैंपल्स फॉर एनालिसिस, डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ एनालिसिस, रिड्यूस द टेक्स्ट टू कैटेगरीज एंड कोड फॉर वर्ड्स और पैटर्न,
एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट एंड कोड द रिलेशनशिप, परफॉर्म स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड एनालाइज, मैप आउट द रिप्रेजेंटेशन. लेट्स टेक वन बाय वन. फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द क्वेश्चन एज इट इज वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई वट इज द प्रॉब्लम एंड वट वी आर गोइंग गोइंग टू विद द रिसर्च प्रॉब्लम. The first step is to identify the questions, or in other words, the identification of problem, because this guides the researcher throughout the process ki use kya karna hai, kya nahi karna. Kabhi kabhi kya hota hai na ki jab hum research karte hain ya koi cheez survey kar rahe hote ho, ki hum itna usko in depth kar lete hain ki hum bhool hi jate hain ki hum kya kar rahe the. To us time kya hota hai ki aapka jo research question hai aapko batata hai ki aapka relevant content kya hai, kyunki kabhi kabhi content sare relevant hi hote hain. Irrelevant wo kab hote hain, jab wo aapke objective को फुलफिल नहीं कर रहे होते, तब वो आपके लिए इररिलेवेंट हो जाते हैं. अदरवाइज जो भी चीज आप कलेक्ट कर रहे होते हो सारी चीजें रिलेवेंट ही होती है, बट किस कॉन्टेक्स्ट में आप उसको यूज कर रहे हो वो उसको रिलेवेंट और इररिलेवेंट की डेफिनेशन में डिफाइन करता है. चूज अ सैंपल और सैंपल्स फॉर एनालिसिस. नेक्स्ट है सैंपल कौन सा होगा. वंस द क्वेश्चन हैज बीन आइडेंटिफाइड द रिसर्चर मस्ट सेलेक्ट कंटेंट फॉर द सैंपल. की सैंपल के लिए क्या कंटेंट है. फॉर रैशनल कंटेंट एनालिसिस द प्राइमरी कंसिडरेशन इज how much information should be preserved for analysis. One should be careful not to limit the result, and the researcher must take special care not to take on so much that the coding process become too heavy and extensive to supply worthwhile result. सबसे पहले आपको content analysis में आपने क्वेश्चन किया, उसके बाद आपने सैंपल देखना है कि content फॉर द सैंपल की आपको ज्यादा बल्कि content भी नहीं देना और ज्यादा बिलो दी एवरेज भी नहीं देना है कि आपको रिजल्ट भी नहीं निकल पा रहा और दूसरा आप रिजल्ट निकालते निकालते भी परेशान हो जाओ. तो यूज अ सैंपल सिलेक्टिवली. नेक्स्ट डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ एनालिसिस. किस टाइप के एनालिसिस आप करेंगे. तो वंस द सैंपल हैज बीन चूज़न फॉर एनालिसिस, इसमें तीन टाइप के एनालिसिस की बात की गई है. द फर्स्ट वन इज अफेक्ट एक्सट्रैक्शन, सेकेंड वन इज प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस एंड द थर्ड वन इज कॉग्निटिव मैपिंग. अब हम यहाँ पे कॉग्निटिव मैपिंग इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, हम यहाँ एक कंडीशन एक स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं. तो जहाँ पे भी हम दो चीज के बीच में रिलेशनशिप को डेवलप कर रहे हैं तो वहां पे कॉन्सेप्ट मैपिंग का टर्म जो है वो आ जाता है. अफेक्ट एक्सट्रैक्शन क्या होता है. दिस इज अ काइंड अफेक्ट मीन्स डोमेन्स की बात करें, कॉग्निटिव अफेक्शन एंड साइकोमोटर. कॉग्निटिव स्टैंड फॉर योर हेड, अफेक्शन स्टैंड फॉर योर हार्ट एंड साइकोमोटर स्टैंड फॉर हेड. तभी जो डोमेन ऑफ लर्निंग को हम 3H भी बोलते हैं. तो यहाँ पे अफेक्ट वहीं से आ रहा है. अफेक्ट अट्रैक्शन बेसिकली ये इमोशनल इवेल्युएशन है ऑफ द राइटर पार्ट और द स्पीकर पार्ट. मीन्स हम जो भी रिसर्च कर रहे हैं ना, हमें रिसर्च में रिसर्च एथिक्स की बात हम करते हैं, तो रिसर्च एथिक्स का पहला बात ही यही है कि जब भी हम रिसर्च कर रहे हैं तो हमें रिसर्चर एज अ रिसर्चर और एज अ पार्टिसिपेंट दोनों का ही इमोशनल इवैल्यूएशन पे ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी की भी फीलिंग हार्म नहीं होनी चाहिए. फाइन, इट इज बेसिकली द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ राइटर और स्पीकर. ये अफेक्ट अट्रैक्शन किसके बारे में बताता है, साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ राइटर एंड स्पीकर. जो भी ये पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं ये सारे पॉइंट्स जो है अफेक्ट अट्रैक्शन के बारे में बता रहे हैं. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असंटेन द इमोशनल साइकोलॉजिकल लेवल ऑफ पर्सन. So Gottschalk says that this can be ascertained by verbal behavior of speaker or writer. Means कभी कभी ये बहुत tough हो जाता है emotional psychological level जो है किसी का पता करना. तो simple सी बात है, जो हम जो inner behavior है हमारे अंदर क्या चल रहा है, तो वो हम जो है वो हमारा जो जो external behavior है verbal behavior है उससे हम पता करते हैं कि वर्बली अगर आपने किसी से कोई क्वेश्चन पूछा. सपोज ऑब्वियसली ये ना टीचर की क्लास में होता है कि जब कोई टीचर पढ़ा रहा है तो कुछ बच्चे जो है टीचर को परेशान करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ क्वेश्चन जेन्युइन होते हैं. तो टीचर क्या होता है, देख लेता है, बच्चा देख लेता है कि जैसे होता है ना कि कोई क्वेश्चन पे टीचर ने गुस्से से बोल दिया, क्या क्वेश्चन है, सिट डाउन. ऐसे अभी इतना होता नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें नेगेटिव फीडबैक्स में आती हैं और इन सब चीजों का बहुत ध्यान दिया जाता है. तो मतलब यहाँ पे टेम्परामेंट देख लिया जाता है कि अच्छा टीचर अगर गुस्सा है, या फिर ऐसे हम अपने घर में बात करते हैं ना, मुझे अपनी मदद से कुछ बोलना है कि मम्मी यहाँ जाना है वहां जाना है, तो पहले मैं मूड देखूंगी कि क्या मूड है. फाइन, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बात करी. तो यहाँ पे वही बात है कि इंटरनली जो चीजें चल रही है वो मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ वर्बल बिहेवियर, किस तरीके से वर्बलाइज चीजें हो रही है. ही फर्दर गिव एन एग्जाम्पल बाय असाइनिंग कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड
are numeric value on corresponding emotional psychological scales that can be statistically examined. Proximity analysis. Proximity ka matlab proximal means bilkul nearby, kisi cheez ke nearby hona. We identify a string which represent a concept. Matlab kisi concept ko aapko explain karna hai, aap bilkul uske border line touch kar rahe ho. So this string is known as a window. Means जब आपने बॉर्डर लाइन टच कर ली तो वो एक तरीके से विंडो क्रिएट करता है कि हाँ आपने उस चीज को पार कर लिया. तो दिस विंडो इज स्कैन थ्रू द डॉक्यूमेंट ऑफ को अकरेंस ऑफ कॉन्सेप्ट. मीन्स जो मैंने आपको बताया था को अकरेंस ऑफ कॉन्सेप्ट मीन्स दो डिफरेंट डिफरेंट चीजों का एक फैक्ट होना, सिंपल एक लॉजिक होना, उसको हम को अकरेंस कहते हैं. कि वेराइटी ऑफ चीजें हैं उसका एक ओरिजिन पॉइंट है, वो उसका को अकरेंस हो गया. Finally, a matrix is created for all interrelated concept, which is known as concept matrix to represent the overall concept. हम यहाँ पे जो है co-occurrence की हमने बात करी कि जो भी similar चीजें हैं उसका हम एक single fact दे सकते हैं. जैसे मैंने आपको बोला था ना कि obesity का मैंने आपको एक बात की थी कि obesity है कोई भी reason से हो सकती है. Obesity hormonal की वजह से हो सकती है, bad eating habit की वजह से हो सकती है, and there is many more reason behind it. तो सेम चीजें इसमें जा रही है. तो मैंने क्या करा कि इसका एक सिंगल वर्ड जो है और उसका एक रिलेशनशिप बना दिया कि ओबेसिटी का रिलेशनशिप इस तरीके से है, तो उसको मैंने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया. एंड दिस टेक्निक इज अ प्रॉब्लमेटिक बिकॉज द विंडो रिकॉर्ड्स ओनली एक्सप्लिसिट कॉन्सेप्ट एंड ट्रीट मीनिंग एज प्रॉक्सिमल को अकरेंस. एंड दिस टेक्निक सच एज क्लस्टरिंग, ग्रुपिंग, स्केलिंग आर ऑल्सो यूजफुल इन proximity analysis. Proximity analysis basically इस technique का problem क्या है कि ये सिर्फ explicit concept की बात करता है, ये implicit concept की बात इसमें नहीं हो रही होती. Implicit concept को ये पकड़ता है by the verbal behavior कि किस तरीके का verbal behavior है. पर कभी कभी क्या होता है ना कि वो चीजें भी fail हो जाती हैं. Suppose हमारा जो verbal behavior है वो हमारे moods पे depend करता है. Suppose किसी person को मूड स्विंग्स की इश्यूज हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसने अगर कोई बात के लिए मना किया है तो वो जेन्युइनली उस चीज को नहीं करेगा. पर उसने मना कर दिया और एग्रेसिव मोड में मना कर दिया तो वो मूड स्विंग का आ सकता है. तो यहाँ पे थोड़ा ये इश्यू आ जाता है. कॉग्निटिव मैपिंग एंड दिस अप्रोच इज वन दैट अलाउ फॉर फर्दर एनालिसिस ऑफ रिजल्ट फ्रॉम द टू प्रीवियस अप्रोचेस. पहले हमने बात करी थी एब्स्ट्रैक्ट अफेक्ट एक्सट्रैक्शन की बात करी थी, जहाँ पे हमने पूरा का पूरा प्योरली इमोशन को वेटेज दिया है. प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस में हमने बात करी है कि जो भी नियर बाय टर्म्स हैं हम उसको ले रहे हैं और उन सब चीजों को मिला के को अकरेंस करके हमने एक कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स बना दिया. अब इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप है कॉन्सेप्ट मैपिंग इज आफ्टर आफ्टर द टू. This approach is allow for further analysis of the result from the previous two approach. अब इसमें हम क्या करते हैं, it attempts to take the above processes one step further by representing these relationships visually for comparison. While effective and proximal analysis function primarily within preserved order of text, cognitive mapping attempt to create a model for overall meaning of text. अभी हमने यहाँ क्या बात करी कि affection में emotions आ गए, ठीक है. सेकेंड और दूसरा प्रॉक्सिमल में हमने क्लस्टरिंग कर दी, बट उसके बाद जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है प्रॉपर एक ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा है कि किस तरीके से मुझे अपना आउटपुट लाना है. जो रिप्रेजेंटेशन, जो एग्जीक्यूशन का पार्ट है वो कॉग्निटिव मैपिंग के थ्रू आ रहा है. तो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ ग्राफिक मैप दैट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्सेप्ट. हम ग्राफिक मैप के फॉर्म में भी इसको यूज कर सकते हैं. It lends comparison of semantic connection across the text and this makes us understand the possible meaning of text and this can be drive a variety of mental models from writer or speaker point of view or any other if possible depending on the research. Basically इसमें हमने क्या करा कि हमारा जो output है उसकी presentation, execution की हमने बात करी कि किस किस तरीके से हम अपनी चीजों को execute करें. And believe me it's an art to write a concept. हर किस मतलब लिखने का तरीका होता है, हर किसी को आता है, लेकिन आपने देखा होगा कि लोगों का जो राइटिंग स्किल्स है वो इतनी फाइन होती है कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट को वो लिख देते हैं. फाइन. वंस द सब कैटेगरी ऑफ एनालिसिस इज चूजन द सिलेक्टेड टेक्स्ट मस्ट बी रिव्यूड टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ एनालिसिस. द रिसर्चर मस्ट डिसाइड वेदर टू कोड फॉर सिंगल वर्ड और फॉर सेट ऑफ वर्ड्स टू फेजेस. बेसिकली सारी चीजें वही है कि लास्ट में क्या है कि हम सिंगल वर्ड के लिए कर रहे हैं और सेट ऑफ वर्ड्स के लिए कर रहे हैं जो हमने पहले हमने ऑब्जर्व किया था, उसके बेसिस पे हम अपना जो आउटपुट प्रेजेंट करेंगे. रिड्यूस द टेक्स्ट टू कैटेगरी एंड कोड फॉर वर्ड्स और पैटर्न.
The next step is to determine the category and codify the words as we do in quantitative analysis. And the standardization of term is brought about. Standardization हमको कैसे मिलेगा? सबसे पहले remove ambiguity found amongst the terms such as problems of phonemes and synonyms terms. And to remove ambiguity of terms as thresher can be used. Basically हम इसमें क्या करते हैं ना कि हम synonyms की बात कर रहे हैं, हम threshers की बात कर रहे हैं, तो कभी कभी same word जो है जो सेम साउंड कर रहे हैं, सेम मीनिंग आ रही है, हमें पहले उन सारे जो कंफ्यूजन है उन सबको रिमूव करना पड़ेगा, फिर जाके हम उसके नेक्स्ट स्टेप में, हमें कोडिंग के नेक्स्ट स्टेप में आना पड़ेगा. एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट. जब हम रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं तो हमें तीन चीज का ध्यान रखना है, स्ट्रेंथ, साइन एंड डायरेक्शन. वंस द वर्ड आर कैटेगराइज एंड कोडेड, हमने वर्ड्स कैटेगराइज कर दिए और कोड कर दिए, फिर अब उसके बाद हम क्या देखेंगे, स्ट्रेंथ. That this relationship is based on three factors. Strength kitni hai. The strength of relationship is chiefly through the occurrence word like must, should, perhaps, maybe, unless. Kitni strength hai. Kitna bonding hai. Sign. The sign basically shown whether it is negative or positive. So, iska basically ek layman example hai. Aap agar कॉमर्स स्टूडेंट है या फिर कुछ बच्चे अगर थोड़ा सा जिनका स्टॉक एक्सचेंज का नॉलेज है, उसमें बेयर एंड बुल का दो वर्ड यूज होता है. बेयर जो होता है बेसिकली नेगेटिव डायरेक्शन को शो करता है, बुल बेसिकली पॉजिटिव डायरेक्शन को शो करता है. तो जब भी हम कोई कंटेंट एनालिसिस कर रहे हैं तो हम उसमें देखेंगे कि साइन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है या नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ हमारा कंटेंट फ्लो कर रहा है. नेक्स्ट है द फ्लो और डायरेक्शन, मीन्स वही फ्लो किस डायरेक्शन में कर रहा है. जैसे हम बात करते हैं The flow direction of relationship is another important aspect of content analysis, and this can be typically seen in programming language where decision regarding various condition as shown. जो बच्चे programming में हैं, they must be know about the term if, then and else. ये conditions उसमें लगाई जाती है जब हम programming, जब हम उसमें coding कर रहे होते हैं, ये terms उसमें use होते हैं. Code the relationship. One of the main difference between quantitative and qualitative is the statement or relationship between concepts are coded. So in other words, relation among the term is identified and denoted with symbol. जो quantitative और qualitative में basically वही है कि qualitative में हम क्या कर रहे हैं, relationship भी देख रहे हैं कि जो भी हमने code लिया उस code का क्या किस context में क्या relationship है, हम उस result को find out कर रहे हैं. परफॉर्म स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, इसमें हम जो भी हमने कोड करा है इसमें स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस करेंगे. मैप आउट द रिप्रेजेंटेशन, ये प्योरली प्योरली एग्जीक्यूशन है फाइनल ड्राफ्ट की. अगर जो हम बोल सकते हैं कि क्वालिटेटिव और रिलेशन एनालिसिस लीड टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट, मेंटल मॉडल दैट इज मैपिंग ऑफ टेक्स्ट. क्वालिटेटिव एनालिसिस इज ऑल्सो परफॉर्म बाई वेराइटी ऑफ डिफरेंट थियोरटिकल अप्रोच. लिंग्विस्टिक कंटेंट एनालिसिस भी कर सकते हैं जिसमें हम डिसीजन मैपिंग की बात कर रहे हैं, मेंटल मॉडल्स की बात कर रहे हैं. बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन है कि आप किस तरीके से अपना कंटेंट कर रहे हैं. सो दैट्स ऑल अबाउट द क्वालिटेटिव रिसर्च. अब नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कंटेंट एनालिसिस में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी का जो इश्यू होता है वो क्या है. बेसिकली जो रिलायबिलिटी को हम बेसिकली देखते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट बेसिकली जो होता है कि बार बार सेम रिजल्ट आने चाहिए, तो कंटेंट एनालिसिस में जो ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है. फाइन, स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि मींस अ कोडर इफ एंड शी रिकोड द सेम टेक्स्ट ही एंड शी शुड गेट द सेम रिजल्ट. मतलब रिसर्चर अगर उसको फिर से रिकोड करके फिर से कराए तो रिजल्ट सेम होना चाहिए, मतलब स्टेबल होना चाहिए. Reproducibility refers to tendency for group of coders to classify categories membership in a same way. Basically, reproducibility की हम यहाँ पे classification की बात कर रहे हैं कि कितना classify हम उसको कितनी category में कर सकते हैं. Accuracy basically कितना accurate result आया है, is the extent to which categorization conform to standard. According to the Gottschalk, getting the same level of reliability is not possible. ये किसी में भी नहीं होता, ये quantitative में भी नहीं होता कि same result आए. Proximal result की हम hope करते हैं, उस result को हम observe करते हैं. So he suggests कि 80% is an acceptable margin for reliability. 80% भी अगर आप कुछ मिल रहा है तो that means yes कि वो reliable है. Next is validity. Validity basically क्या होता है, validity ऑब्जेक्टिव, जिस ऑब्जेक्टिव को फ्रेमवर्क करके, जिस ऑब्जेक्टिव को लेके हमने कोई भी बनाया होता है, कोई भी टर्म्स हमने बनाई होती है, वो जैसे कोई भी टेस्ट है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा है, उस कॉन्टेक्स्ट
को उसकी नीड को फुलफिल कर रहा है नहीं कर रहा, वो ऑब्जेक्टिव वैलिडिटी बेसिकली उसको बोला जाता है। ये रिलायबिलिटी वैलिडिटी पे मैंने पहले लेक्चर्स दिए हुए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। अब वैलिडिटी जो है इसको हमने कैटेगराइज किया गया, इसको हमने बात की गई इसमें कैटेगराइजेशन, कंक्लूजन एंड जनरलाइजेबिलिटी। अब वैलिडिटी जो है, प्लीज काइंडली म्यूट योरसेल्फ, वन ऑफ द पर्सन हैज अनम्यूट देयर माइक, सो काइंडली रिक्वेस्ट टू म्यूट योरसेल्फ। तो वैलिडिटी की यहाँ बात की गई, तो वैलिडिटी में क्या है, आउटपुट ऑफ द रिजल्ट की बात की गई है। तो वैलिडिटी में कैटेगराइजेशन मतलब जो भी कोड हम रख रहे हैं, जो भी रूल्स हमने बनाए हैं, वो प्रॉपर कैटेगरी में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। कंक्लूजन एज पर द स्टैंडर्ड, एज पर द रिसर्च क्वेश्चन, हमारा कंक्लूजन उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है या नहीं कर रहा। जनरलाइजेबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी की वही कि इस कंक्लूजन को हम कितने लेवल तक इन्फर कर सकते हैं टू अदर सिमिलर सिचुएशन। फाइन, अब इसके एडवांटेज क्या है, इस बेसिक एडवांटेज की सोशल कम्युनिकेशन में यूज होता है बेसिकली। टेक्स्ट कैन बी एनालाइज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिवली, दस अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन। बेसिकली इसमें हम रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करते हैं, कॉन्सेप्ट की रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करते हैं। इनसाइट ऑफ ओल्ड सिविलाइजेशन कैन बी अंडरस्टूड, जो पुरानी पुराने जो ग्रंथ हैं लिखे गए हैं उन सब चीजों को पढ़ते हैं और कंटेंट एनालिसिस कहते हैं। जैसे है ना कि कोई भी चीज, जैसे सपोज कोई संस्कृत में कोई बुक लिखी गई है, उस संस्कृत की बुक को कोई कन्वर्ट कर रहा है हिंदी में, ठीक है, तो वहां पे वो कंटेंट एनालिसिस पूरा होगा। या फिर कोई और भी रीजनल लैंग्वेज मदर टंग में कोई बुक है, उसको अगर हम हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं या इंग्लिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ कंटेंट एनालिसिस। इट अलाउज क्लोजनेस टू टेक्स्ट विच कैन ऑल्टरनेट बिटवीन स्पेसिफिक कैटेगरी एंड रिलेशनशिप, एंड ऑल्सो सिस्टमेटिकली एनालाइज द कोड फॉर द टेक्स्ट। इट कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड द वे ह्यूमन माइंड थिंक्स। बेसिकली आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे जो डब मूवी होती है, मतलब जो अदर्स कंट्री की जो मूवी होती है, उसे हम हिंदी लैंग्वेज में करते हैं, या तो वो जो नीचे लिखा आता है हिंदी लैंग्वेज लिखा आता है, या फिर हिंदी का वो पीछे का साउंड कोई और रिकॉर्डेड होता है। तो वो सारा का सारा क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ कंटेंट एनालिसिस। डिसएडवांटेज बेसिकली इट टेक्स टाइम। टेक टाइम क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा मैनुअल वर्क है, ठीक है। मैक्सिमम जो ऑब्जर्वेशन जा रही है वो मैनुअल जा रही है, मैनुअल करने के बाद हम स्टैटिस्टिकल पोर्शन पे जा रहे हैं, ठीक है। रिलेशन एनालिसिस इज अ मैटर ऑफ हाई इंटरप्रिटेशन, हेंस प्रोन्स टू द इनएक्यूरेसी। जैसे कि रिलेशन एनालिसिस के लिए वी नीड अ एक्सपर्टीज, वी नीड अ ग्रेट लेवल ऑफ, अगर हम बात करें कॉग्निशंस की बात हम कर सकते हैं, हम विजुअलाइजेशन पावर होनी चाहिए। इट इज बेस्ड ऑन फ्यू स्टेप, दैट इज देयर इज नो साउंड थ्योरी टू डेट बिहाइंड। इसमें कोई ऐसा साउंड थ्योरी नहीं जो डेवलप हुई है, इसके अपने कुछ बेसिक स्टेप्स हैं। इन कंटेंट एनालिसिस लार्ज कॉन्सेप्ट इज रिड्यूस्ड टू कोड। इसमें सारा का सारा कोडिंग की बात की गई है कि कंटेंट को कोड में कन्वर्ट कर दिया गया है। अगर उस कोडिंग को डिकोड अच्छे से तरीके से वो हो गया तो ओके है, बट अगर वो डिकोड और एनकोडिंग में ही प्रॉब्लम है तो यहाँ पे इसका मेजर इशू है। एनकोडिंग एंड डिकोडिंग, एनकोडिंग अगर गलत हो गई तो रिजल्ट गलत आएगा, अगर डिकोडिंग गलत होगी तब भी आउटपुट गलत आएगा। तो बेसिकली इट्स ऑल स्टडी अबाउट द कोडिंग। तो जिसको कोडिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है वो कर सकता है कोडिंग। मैं यहाँ पे प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोडिंग इन जनरल वर्क की बात कर रही हूँ। जो गुड है इन सब चीजों में वही कंटेंट एनालिसिस को सक्सेसफुली कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता, सब कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा एक्सपर्टीज और इनडेप्थ स्टडी की जरूरत है। जो एक टर्म है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, उन सब चीजों से ओके हो जाती है। Often content analysis is criticized to be as word count, fine, and often we need to understand the context while drawing a conclusion from an analyzed text, because there could be many possible interpretation. कोई भी possible interpretation हो सकता है, मतलब कोई भी text है उसका कोई भी, हर कोई अलग अलग result उसका बना सकता है। तो यहाँ पे एक reliability validity का issue जो यहाँ पे interpretation है कि valid interpretation बन सकते हैं, वो यही है कि यहाँ पे reliability और validity का issue है, इस वजह से ये मैनी बन सकते हैं। एंड दीज आर द सजेस्टेड रीडिंग जो आप इसको रेफर कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंटेंट एनालिसिस व्हिच आई गो थ्रू। इज देयर एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क, देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, ये मैंने शेयर कर दी है वेरी सून आफ्टर द लेक्चर इज कंप्लीटिंग। तो ये पीपीटी आपको शेयर हो जाएगी, और ये पीपीटी इंग्लिश मीडियम में ही है कि थोड़ा सा आई विल ट्राई टू टेक माय लेक्चर इन अ बाइलिंगुअल, बट इंग्लिश में है क्योंकि इंग्लिश का थोड़ा सा मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में है। तो बट एक्सप्लेन मैंने हिंदी में करा है, तो आप इसको ट्राई करिए कि इसको कर सकूँ।
इज देयर एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क देन? मैम थोड़ा सा ट्रांसमिशन का वो थोड़ा सरल शब्दों में बता दीजिए मैम। ट्रांसमिशन बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई चीज जैसे होता है ना कि मैसेज जो है किस चैनल के थ्रू जा रहा है, वो ट्रांसमिशन है, कैसे फैल रही है। लेमन वर्ड क्या है ट्रांसमिशन, मतलब फैलाव, किस तरीके से फैल रहा है। जैसे सपोज अभी मैं ये आपको आपको इस टॉपिक में लेक्चर सुनना था, फाइन, ये लेक्चर आया, अब मैं इस लेक्चर को ले रही हूँ, अब मैं अपने आप से मैंने लेक्चर बनाया, अपने आप से मैं पढ़ा रही हूँ, बट ये लेक्चर ट्रांसफर हो रहा है विद थ्रू द मीडियम ऑफ गूगल मीट, फाइन, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। किस चैनल के थ्रू ये स्प्रेड हो रहा है इन बिटवीन द पब्लिक, उसको हम ट्रांसमिशन बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया कि मैंने जो लेक्चर बनाया है, इसमें जो कंटेंट मैंने लिया है, इस कंटेंट को मैं कंटेंट एनालिसिस कहूंगी, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट हमारे पास होता है, बट उसमें से कितना मुझे सिलेक्टिवली आपको प्रेजेंट करना है उस चीज की है। आई वॉज ट्राइंग कि मैं आपको कोई सैंपल दिखा सकूँ कंटेंट एनालिसिस का। बेसिकली कंटेंट एनालिसिस जो है ये रिसर्चेस में यूज होती है, बट एज ऑफ नाउ मुझे कोई एज सच गूगल में ना कुछ ऐसा कंटेंट एनालिसिस का कंटेंट दिखा नहीं, ठीक है, जो मैं आपको शो करूँ, बट आई वॉज क्लीनली टू शो कि मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरीके से कंटेंट एनालिसिस जो है स्टेप बाय स्टेप होती है। मैम क्लस्टर सैम्पलिंग के बारे में थोड़ा बता दें। क्लस्टर सैंपलिंग इसमें कहां से आया? एक वर्ड यूज किए थे कि क्लस्टर सैम्पलिंग के अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हैं। क्लस्टर ऑफ वर्ड्स मैंने यूज, यस, सैंपल सैंपल, क्लस्टर सैंपलिंग इज डिफरेंट। क्लस्टर सैंपलिंग इज बेसिकली, इसको वी कैन ऑल्सो नोन एज अ एरिया सैंपलिंग, वो अलग चीज है। मैंने यहाँ पे सैंपल की बात करी है कि जो सैंपल्स होते हैं इसमें क्लस्टर ऑफ वर्ड्स, जो बेसिकली पर्यायवाची वर्ड्स हम जो कहते हैं ना किसी भी चीज का, उन सब चीजों से मतलब है। जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या है कि मुझे कोई पर्टिकुलर, जैसे पानी है, वाटर है, वाटर का, पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है आकाश, बताओ? जल। और यस क्या मैम होता है? नीर मैम नीर नीर पानी। हाँ तो ये क्या हो गया कि क्लस्टर की हम कितना क्लस्टर, कितने ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम यूज कर सकते हैं, वो चीज हुई। यस मैम क्लियर हो गया अब। एनीथिंग एल्स? मैम पीपीटी कहाँ मिलेगा? पीपीटी आपको, पीपीटी मिल जाएगा आपको। गुड इवनिंग मैम। मैम देर इज वन क्वेश्चन यस राशि, मैम। एज वी डू कंटेंट एनालिसिस इन बीएड, सो कैन वी डू कंटेंट एनालिसिस ऑफ वन टू टू बुक्स? लाइक इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम सर, सो लाइक इग्नाइटेड माइंड्स एंड वन मोर बुक्स, सपोज यू वांट टू डू अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू बुक्स ना, इन दैट वे कैन आई डू दैट? वो रिव्यू एनालिसिस हो जाता है, रिव्यू ऑफ बुक हो जाता है। तो जैसे आप जो बात कर रहे हो कि इफ यू वांट टू गो विद द रिव्यू ऑफ बुक्स, जो हम करते हैं ना एक रिव्यू करके, एक होता है यस मैम बीएड यस में होता मैम है बुक्स का रिव्यू हम करते हैं, उस पर्टिकुलर टर्म मुझे वो याद नहीं आ रहा। तो उसमें बेसिकली हम क्या करते हैं, उस पूरी बुक के गो थ्रू होते हैं, फिर हम अपनी सजेशन देते हैं। बीइंग एज अ बीएड स्टूडेंट, आई हैव नो अथॉरिटी कि मैं कंटेंट को जस्टिफाई कर सकूं, बिकॉज मैं मास्टर नहीं हूँ। जो उस बुक को जिसने बनाया है, द पर्सन इज मास्टर ऑन देयर कंटेंट, ठीक है, बट मैं उसके कुछ वीक एरियाज में बता सकती हूँ कि माइट बी इसमें और एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ कि इसमें ये कंटेंट को ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया गया है। मैं ये सब चीज बोल सकती हूँ जब हम किसी बुक का बुक रिव्यू, बेसिकली हाँ बुक रिव्यू करते हैं। तो आप जो मैम, बात कर रहे हो वो कंटेंट बुक रिव्यू है। एनालिसिस जो आप कह रहे हो ना, जैसे सपोज हम साइंस की बुक का एनसीईआरटी का करें तो उसमें हम कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं उसका, बट उसमें आप जी कंटेंट एनालिसिस कर सकते हो। जैसे सपोज कि आपके पास कोई चैप्टर है, उस चैप्टर की जी आपको जी कंटेंट एनालिसिस करना है कि उस चैप्टर में क्या है, उस पूरे जैसे कंटेंट एनालिसिस को आप समझिए इस तरीके से जैसे कोई रिसर्च पेपर होते हैं। आपने कभी एम्पिरिकल रिसर्च और थियोरिटिकल पेपर देखा है? यस मैम ठीक है, उसमें एब्स्ट्रैक्ट होता है ना, फाइन। हाँ एब्स्ट्रैक्ट अब मैं पूरा पेपर ना पढ़ के, 10-12 पेज का पेपर ना पढ़ के मैं पूरा का पूरा समझ लूं उस एब्स्ट्रैक्ट से, तो वो हो गया कंटेंट एनालिसिस। कि कंटेंट एनालिसिस आपको बिल्कुल वैलिड क्या चीजें हो रही हैं उन सब चीजों के बारे में बता देता है, कि
इसमें क्या सैंपल साइज है, क्या डिजाइन है, क्या मेथडोलॉजी हमने लगाया, क्या आउटपुट आया, उसका एक छोटा छोटा जस्ट आपको कोडेड फॉर्म में दे देता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कंटेंट एनालिसिस। ओके, थैंक यू सो मच मैम। ओके, इज देयर एनीवन एल्स? मैम आपका क्लास बहुत ही अच्छा लगा मैम, बहुत दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छा लगा हमको कि। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की मैंने इसमें बात करी थी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की मैंने बात करी थी, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के मैंने वीडियोस पहले मैंने लेक्चर्स लिए हुए हैं, ये वीडियोस आपको इजीली जो हमारा जो इनका यूट्यूब का चैनल है वहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च पे भी मैंने प्रॉपर, जो मैंने क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करी है, फिनोमिनोलॉजी इथनोलॉजी, इसमें प्रॉपर एक अलग से मैंने चैप्टर ले रखा है, इन डिटेल मैंने उसमें सारी चीजें बता रखी हैं, आप उन सब चीजों को वहां पे भी देख सकते हैं। हाँ प्लीज शंभू सर इनको शेयर कर देना, क्योंकि रिलायबिलिटी वैलिडिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि ये क्या होता है क्या नहीं होता, तो ये चीज क्लियर होना बीइंग एज अ रिसर्चर हमें पता होना चाहिए। गुड इवनिंग मैम, आवाज इसमें कुछ आ रहा है थोड़ा, एक सेकेंड, हेलो आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है। तो इसका क्या स्टेप्स प्रोसेस भी कुछ है कंटेंट एनालिसिस का, जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे तो उसका, एक तो आपने क्वालिटेटिव का इरेशनल या इरेशनलिटी या क्या बताई थी, तो उसमें नैरेटिव रिसर्च कैसे करेंगे, जैसे बुक में कोई यदि वास्ट है उसका कंटेंट है, तो जब रिसर्च करते हैं तो कोडिंग कैसे करेंगे या उसका एनालिसिस कैसे करेंगे, उसका मीनिंग कैसे देंगे, इस तरह से। सर एक्चुअली जो आप नैरेटिव की बात कर रहे हो, सबसे पहले नैरेटिव तो क्वालिटेटिव का पार्ट है, ये पांच टाइप के हैं, फिनोमिनोलॉजी इथनोलॉजी ग्राउंड स्टडी और नैरेटिव और केस स्टडी, ठीक है। अब नैरेटिव में बेसिकली क्या होता है, इज अ काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग, कि सपोज सिंपल सा मैं बेसिकली मानती हूँ कि कोई भी चीज को समझने के लिए हमें लेवन एग्जाम्पल से बेस्ट कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी को स्टोर करना माइंड में थोड़ा सा टफ होता है, तो हम बेसिकली लेमन से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट को समझा सकूं। सपोज आप कोई मूवी देखने गए, ठीक है, उस मूवी को आप अपने फ्रेंड को बता रहे हो, तो आपका जो नरेशन है वो आपका अपना नरेशन है, आपको जो इंपॉर्टेंट चीज लग रही है आपने उसको हाईलाइट कर दी, उसको बता दिया था। अगर आपका कोई और फ्रेंड भी सेम मूवी देख रहा है और उसने उस पिक्चर को नरेट किया, उसका नरेशन स्टाइल जो है, मतलब बेसिकली बॉर्डर लाइन क्या है कि जो बेस ऑफ द मूवी है वो तो सेम है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन नरेशन स्टाइल है वो डिफर कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसने वहां पे कुछ अलग अलग वर्ड्स और इंक्लूड करे हैं, तो जो वो अलग अलग वर्ड्स इंक्लूड करे हैं सर, हम उसको कोडिंग बोल सकते हैं, ठीक है, वो कोड करना हो गया। तो नरेशन में बेसिकली हम स्टोरी टेलिंग में यही होता है कि हम किस तरीके से स्टोरी टेलिंग करते हैं, तो वो होता है नरेशन स्टाइल। अब इसमें कंटेंट एनालिसिस का क्या रोल है, जब भी हम कोई स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं तो स्टोरी टेलिंग का सबसे पहले कि हमें कौन कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, क्या क्या हमारी प्रेजेंटेशंस होंगी, ठीक है, कौन कौन सा हमारा स्टाइल होगा, और हम अपने कॉन्सेप्ट में मेंटल मॉडल में एक अपने आप से एक विजुअलाइजेशन कर लेते हैं, इस स्टेप के बाद मुझे ये स्टेप करना है, इसके बाद मुझे ये स्टेप करना है, इसके बाद मुझे ये स्टेप करना है, एक हायरार्की ऑफ जो स्टेप है, हायरार्की वो हम जो है डेवलप कर लेते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं। आप जैसे बीएड में भी देखोगे, जो बीएड स्टूडेंट्स होते हैं, जब वो अपना जो स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम करने जाते हैं, जब वो अपने लेक्चर्स डिलीवर करते हैं, तो आप लोग लेसन प्लान ड्रॉ करते हो, फाइन, आप लोग क्या करते हो, सेट इंडक्शन बनाते हो, आप जो रियल टीचिंग होती है फार बियाइंड फ्रॉम दैट, लेकिन जब हम बीइंग एज अ ट्रेनी हम जब टीचिंग करते हैं तो हम प्रॉपर अपने स्टेप्स को ना माइंड में स्टोर कर लेते हैं कि कहीं हम भूल ना जाए। अब आप लोग का तो पता नहीं, व्हेन आई वाज डूइंग द बीएड तो हम हर चीज को ना माइंड में स्टोर करते थे कि अच्छा, क्योंकि हमारे सामने हमारा जनरल या मैनुअल लेसन प्लान नहीं होता था, पूरा का पूरा लेसन प्लान हमारा दिमाग में फिट होता था, हमें बुक्स अलाउ नहीं होते थे, हमें कुछ भी अलाउ नहीं होता था, तो हम क्या करते थे कि हमें कब किस तरीके से क्वेश्चन बोलना है, हमारा वर्बल एक्सप्रेशन क्या है, क्योंकि हम जब क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं यहाँ पे अफेक्शन, आपका जो वर्बलाइजेशन है, आपके इमोशंस है, वो चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है, फाइन। तो इन सब चीजों को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमने उनको अरेंज कर दिया,
इंट्रोडक्शन मेरा हो गया, इंट्रोडक्शन करते वक्त मुझे किस तरीके से डील करना है, जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ तो होता है ना कि जैसे हम कोई कंटेंट पढ़ा रहे हैं तो हम क्लास में बोलते हैं पे अटेंशन ऑन दिस टॉपिक, पे अटेंशन ऑन द वर्ड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो मतलब सारे बच्चों का ध्यान उस तरफ डाइवर्ट हो जाता है। तो ये एक तरीके के मोड्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, पेस ऑफ लर्निंग होती है वो स्टूडेंट की होती है, पेस ऑफ जो हमारा जो फ्रिक्वेंसी, जो फ्लुएंसी ऑफ सॉरी फ्रिक्वेंसी ऑफ जो वर्ड है कि हमारा पिच कब हाई होना चाहिए, कब लो होना चाहिए, वो सब चीजें होना, जिसे हम जेस्चर मूवमेंट कहते हैं, तो वो सब चीजें होना भी बहुत जरूरी है। तो इन सब का हम स्टेप बाय स्टेप इसको कोड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, आपका कंटेंट एनालिसिस का पार्ट बन जाता है। और ये नरेशन स्टाइल है, आप देखोगे किसी के टीचिंग स्टाइल बहुत इफेक्टिव होता है, किसी का पढ़ाते सब अच्छा ही है, बट द वे हाउ डू यू प्रेजेंट योर सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ यू एग्जीक्यूट योर सेल्फ, आप जब पढ़ा रहे हो पढ़ाते वक्त आपने कौन कौन से एग्जाम्पल्स कोट कर रहे हो। सपोज जैसे मैंने आपको लेक्चर दिया, मैंने बेसिकली बहुत लेमन एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करी क्योंकि यहाँ पे हर टाइप का बच्चा है, बी एड भी है, एम एड भी है, कुछ स्कॉलर्स भी होंगे, कुछ अदर्स भी होंगे, तो जितना हो सके उतना लेमन दो जिससे सब लोग मैक्सिमम एरिया कवर हो सके, मैक्सिमम अप्रोच तक वो पहुंच सके, ठीक है। तो मेरा जो कंटेंट एनालिसिस है वो है कि मैंने कैसे प्रेजेंटेशन दी, कौन कौन से वर्ड्स मैंने यूज करे, किस किस तरीके से मैंने अपने स्लाइड को स्टेप बाय स्टेप लिया, किस तरीके से उनके बीच में कनेक्टिविटी लेके आई, ठीक है। क्योंकि ये सारा स्टेप तो आपको एज अ फॉर्मेट में मिल जाएगा, लेकिन उसको बुलेट्स में किस तरीके से प्रेजेंट करना है, कब क्या चीज मुझे देनी है, किस चीज को हाईलाइट करना है, इट्स ऑल अबाउट द कंटेंट एनालिसिस। मैम थोड़ा सा डिकोडिंग के, कोडिंग और डिकोडिंग होता है ना मैम, आपने बताया ना कोडिंग, थोड़ा डिकोडिंग के एनकोडिंग और डिकोडिंग, जैसे सपोज जैसे मैंने आपको भी इसमें बताया था कि फीमेल के लिए मैंने मेल के लिए मैंने वन बोला, फीमेल के लिए मैंने टू बोला, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलती हूँ वन नंबर, मैंने सिर्फ वन नंबर बोला कि फॉर्म वन जो है वो फॉर्म वन जो है उसमें जेंडर वन है, अब आप उसको समझ जाओगे कि फॉर्म वन में जेंडर वन है, मतलब द पर्सन शुड बी मेल, ठीक है। और अगर दूसरे फॉर्म में जेंडर में टू लिखा है, आप समझ जाओगे वो क्या है, फीमेल है। तो मैंने एनकोड कर दिया, मैंने डिजाइन कर दिया कि वन जो है मेल के लिए हो गया, टू फॉर फीमेल, और ये कोडिंग मैंने आपको भी दे दी कि ये इस तरीके से। अब मैं आपको बोल रही हूँ ये बंच ऑफ पेपर्स हैं, ये बंच ऑफ फॉर्म्स है, अब आप इसको मेल और फीमेल की कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए, उसमें मेल फीमेल नहीं लिखा, उसमें वन टू लिखा है, तो आप समझ जाएंगे कि वन जिसमें भी वन वन होगा मेल को अलग कर दो, जिसमें भी टू लिखा होगा वो फीमेल है उनको अलग कर दो। दिस इज कॉल्ड एनकोडिंग जो मैंने किया, ठीक है, मेरे एंड पे हुआ, और आपने उस वन टू को समझा तो आपने उसको डिकोड कर दिया। यस मैम, क्लियर हो गया पूरा। ओके शंभू सर, एक काम करिएगा कि आपके पास रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की मेरी पीपीटीज होंगी, पहले की शेयर करी हुई ग्रुप में होंगी, आप उसको रीशेयर कर देना सो दैट कि इनके पास वो फिर से पहुंच जाए, ठीक है। और ये कंटेंट भी आपको मैंने दे दिया है तो आप इसको भी शेयर कर देना। इज देयर एनीथिंग लेफ्ट टू नो, सर आई गेस कि आप किसी के क्वेश्चंस नहीं है तो शैल वी वाइंड अप।
माय प्लेजर सर। Thank you everyone and happy independence day and one more ki independence day ke din maine tumhe capture kar liya for the class theek hai so happy independence day apna independence day celebrate kariye but with all everything you should be keep your goal on your mind aur us sab cheezon ko bhi focus kariye kyunki yahi time hai badhne ka aur bigadne ka so please focus on your goal aur aap apne aap ko aur aage ki taraf leke chalenge thank you so much Thank you, ma'am. Sir, shall I leave? Okay. Thank you. Thank you, ma'am. Okay, thank you.